नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए, बहुत धन्यवाद। पिछली बार षड विकार की क्लास में घूंघट के पट खोलने के चक्कर में मैं बात कर रहा था और नमस्कार कहना ही भूल गया। तो मैंने जब एडिटिंग पे देखा क्लास को, मैंने कहा ये तो पंगा हो गया। हमने कृष्ण को देखा है, कृष्ण का कैरेक्टर बड़ा ही मजेदार है और बड़ा ही धांसू सा, बड़ा काइया सा कैरेक्टर है और इतना प्यारा कैरेक्टर है कि बस प्यार के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और इतना छलिया है, इसे छलिया कहते हैं, छलिया मींस झूठ बोलने वाला, झूठा, नौटंकीबाज, कि कोई बात का सीधा जवाब देके राजी नहीं। इस कारण से कृष्ण हर धर्म में मान्यता प्राप्त है और हमारे धर्म में विशेष तौर पे उसको भगवान का दर्जा दिया गया है, गॉड के तरीके से माना जाता है। हिंदू धर्म की जो बाइबल है गीता, उसका रचयिता है वो, और वो इसलिए क्योंकि उसने कुछ नया कहा है, कुछ विचित्र कहा है, अपने तरीके से कहा है, उसने सेम टू सेम बात उठाई, आगे परोस दी, ऐसा नहीं किया है। कोई भी बात घुमावदार होती थी मींस समझ ही नहीं आई, इसलिए लगा घुमा के बताई है। हमारे जीवन की एक विडंबना होती है कि हम यहां से बात मिली इधर पहुंचानी है, वैसी की वैसी पेश कर देते हैं, ना हमें कॉमा पता चलता, ना एपोस्ट्रोफी पता चलता, और बात एक चिट्ठी की तरह बन जाती है। पुराने समय में डाकिया डाक लाया होता था कि डाकिया डाक लाया, कभी खुशी का संदेशा, कभी दर्द की चिट्ठी लाया। ऐसे डाकिया बनने के बाद हमारे जीवन में हम पूरे पूरे जन्म सेम लाइफ जीते चले जाते हैं। आज की क्लास का नाम हम इसीलिए ले रहे हैं, पोस्टमैन। कृष्ण अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने एक भी पत्ता नहीं खोला, उसके पासवर्ड्स टोटली प्रोटेक्टेड थे, उसकी बात पता ही नहीं होती थी किसी को, वो किस प्रकार किसको क्या बोलता है, कब प्यार कर रहा है, कब छल कर रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ता था। और वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे सफल है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कोहरे दिल के होना चाहिए, भाई साफ दिल के होने चाहिए। साफ दिल के लोग जो होते हैं ना, उनको स्वर्ग मिलता है। एक तो ये बड़ा लफड़ा है। और जब कृष्ण को श्राप मिला गांधारी से कि जाओ तबाह हो जाओ, उसने बड़े मजे में कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट, क्योंकि स्वर्ग यहां है जिसको वो जी चुका था। हर तरह से जीवन में युद्ध करके हर प्रकार की चीज को जीतना, उसको जी जाना, भाई यहीं जिएंगे, ऊपर जिएंगे। ऊपर कैसे जियोगे, बॉडी साथ नहीं जाती यार, किधर जियोगे ऊपर, यहीं जीना है। हमें जितनी इस डायमेंशन की अकल है उस हिसाब से यहीं जीना होता है। लोग कहते हैं जन्म मरण के कर्म से निबट जाए, क्यों निबट जाए यार, पूरे जन्म में सिर्फ एक बार पैदा हुए और एक बार मरेंगे, रोज रोज नहीं मरेंगे ना। सारा क्लेश है कि हम आए दिन मरते रहते हैं, एक ये बिकता रहता है स्वर्ग ऊपर मिलेगा, स्वर्ग भी यही है। स्वर्ग नहीं मिला, इस बात को हम नरक बनाकर भोगना शुरू कर देते हैं। सब कुछ यहां ही है, क्योंकि यहां हम हैं, ऊपर हम नहीं, बॉडी नहीं होगी, सिर्फ आत्मा होगी, ऊपर की तरह मालूम नहीं लेकिन कहीं तो है। तो वहां बॉडी के बिना हम नहीं होगा, हम, मैं भी इस बॉडी के थ्रू ही डेवलप होता है, वो भी समाप्त होगा, दोनों में से कुछ नहीं बचेगा। हम हर समय यही चीज को जीवन में जीने के प्रयास करते रहते हैं कि यार ऐसे जीना चाहिए, क्योंकि ये चिट्ठी है, पोस्टमैन यानी कि ये न्यूज प्रचलित है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, ये पाप है पुण्य, क्यों? दादाजी भी कहते थे, पिताजी भी कहते थे, हम भी यही कहेंगे। एक सार एक लकीर पे चलते चले जाने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे अक्सर परिवार होते हैं जहां जैसे दादा मरा वैसे ही पिता हुआ, वैसे ही बच्चे की हाल है। ऐसे अक्सर जीवन होते हैं जहां इंसान कहता है 20 साल से सेम लाइफ जी रहा हूं मैं, एक टाइम लूप फंस जाता है, टाइम लूप। कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं जो ये कहते हैं बस जी दिसंबर हर साल बुरा होता है, पता नहीं जी जून का महीना आता है ना मेरा ये हो जाता है जी। अच्छा जन्मदिन के बाद तो एक ही महीना ठीक जाता है जी, उसके बाद तो ना ये होता ही है जी। वो क्या है? वो टाइम लूप है। टाइम लूप का मतलब हमने उसे आमंत्रण दे दिया है, इसमें हम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हम उस समय को आमंत्रण देते हैं, इसलिए हमारे साथ वो बुरा होना शुरू हो जाता है। अक्सर कहते हैं बड़ा अच्छा समय था यार, बड़ा मजा आया, अचानक बुरा शुरू हो जाता है यार। जब भी हम पार्टी करते हैं अगले दिन रोना ही पड़ता है यार, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। ये पोस्टमैन है, ये चिट्ठियां हैं, एज इट इज सेम न्यूज हमारे दिमाग में चल रही है, यही हमारे पिताजी ने बताया था, यही दादाजी, और हम भी यही कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। इसीलिए बच्चों से भी लड़ाई होती है, बच्चे कुछ नया सोचना चाहते हैं, वो जो चिट्ठी आती है उसको अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं, वो नॉर्मल पोस्टमैन नहीं बनना चाहते। जिस व्यक्ति ने भी कोई नई इन्वेंशन की है, कुछ नवीनता की है जीवन में,
ये याद रखें, सुंदरता नवीनता में होती है। जब कुछ नवीन, कुछ नयापन मिलता है जीवन में तो आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा सुंदर लगता है। सुंदर सुंदर होने से नहीं है मात्र, कुछ नएपन से है आपके जीवन के अंदर। चलते हुए समय में जब भी कुछ नवीन नयापन होता है, आप खुश होते हैं, मजा आ गया यार है, आज तो कुछ नया खाने को मिला, आज कुछ नया घूमने को देखा, कुछ नया पहनाया, कुछ डिफरेंट है, कुछ नयापन है। हम पोस्टमैन बनके लकीर के फकीर सेम टू सेम लाइफ चलते रहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है तोड़ना। क्यों? क्योंकि हम जो माँ और पिता के गर्भ से बनते हैं, माँ और पिता के संगम से, माँ के गर्भ से बनते हैं, वो एक विशेष जीन्स लेके पैदा होते हैं। जीन्स मीन्स डीएनए। डीएनए का मतलब मेरा सिम कार्ड। हम सब मनुष्यों के पास अलग अलग सिम कार्ड है, सिर्फ ट्विंस के पास सिम कार्ड भी सेम होता है। जो ट्विंस होते हैं उनका डीएनए भी सेम होता है। दो बहन है, दो भाई हैं, कई ट्रिपलेट्स होते हैं तो उनके भी सेम डीएनए होता है। सेम डीएनए का मतलब उनका सिम कार्ड सेम है, डिट्टो है। पर मजे की बात है, उनकी कॉल अलग 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 लगती है। वो बच्चे सेम डीएनए सेम जीन्स होने के बाद भी अलग बिहेव करते हैं। इसको यूं समझ लें कि ये कहा जाता है कि मुझे शुगर इसलिए हो गई है क्योंकि मेरे पिताजी को भी थी, यानी कि वो मैंने उनसे ट्रांसफर ली। अब ऐसा कई परिवार में होता है, चार बच्चे हैं, पिताजी सेम थे, चार में से दो को शुगर नहीं है, दो को है। उन दो ने ऐसा क्या किया? वो दो पोस्टमैन नहीं है। जिन दो को शुगर हुई है वो दोनों पोस्टमैन है। आपके जीवन के अंदर कुछ नया कर बैठे आप, कमाल चमत्कार कर दिया। मींस एक तो आप जो माता के द्वारा जीन्स लेकर गर्भ से शरीर पाकर पैदा हो गए। अब इस जीन्स के मतलब मेरा जीन लिखने का है, इसमें डीएनए है, बॉडी है, आप पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, आपका पूरा जीवन एक है। ये जीन्स है जो मुख्य है, ये सेम होते हैं। उसके बाद इस जीन्स में परिवर्तन आता है, परिवर्तन बाहर का, परिवर्तन बाहर से। बाहर को एपी कहा जाता है और जीन्स बदल देने को जेनेटिक्स। ये होते हैं आप, यू, ये आप है। जितने लोग पैदा होने के बाद सेम डिट्टो कहानी पर चलते रहते हैं, जैसे जीवन को जीना माता पिता के द्वारा प्राप्त किया, उनके जीवन पूरा जन्म सेम जाता, सेम वो कभी नहीं बदलते। 85 साल तक उनका जीवन एक धर्रे पर चलता है। अक्सर मोटे तौर पे वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। और जब जीवन की एक संध्या आ जाती है, रात्रि से पहले संध्या आती है, यानी कि मरने से ठीक पहले के कुछ एक 5-7-10 साल, तब वो बैठ के सोचते हैं, क्या किया यार सारा जीवन, यार बस यही काम किया यार, खाया पिया, क्या किया गया यार, असल क्या निकाला गया जीवन में, करने गए थे साले, यही करने आए थे क्या? ऐसा कुछ चमत्कारिक काम किया जाए कि तृप्त हो जाए आत्मा। यानी आप ऐसे कुछ कैसे हो सकते हैं कि एक दिन आप पिज्जा की दुकान के बाहर खड़े हैं, या बेस्ट बेस्ट खाना जो पसंद है, और आप कहते हैं खा लिया यार, बहुत खा लिया, कोई बात नहीं। और एक टाइम था 10 साल पहले आप तलापते थे, दिख जाए तो टूट पड़े, क्या बदला? आप बदले हो। नहीं तो ऐसा होता है, लोग सारे जन्म पैसे के लिए भूख से मरते रहते हैं। पैसे की भूख, बहुत पैसा आ गया फिर भी पैसे की भूख। वो पोस्टमैन है, शांत नहीं हुई, वो बदले नहीं। जब 85 साल बाद शरीर खत्म हो जाता है, फिर वो रोने लगते हैं, इस पैसे का करूं क्या यार, भूख अभी भी है, लोभ अभी भी है, लालच अभी भी है। अक्सर कई लोगों को ये समझ नहीं आता, यार मिनिस्टर पागल है क्या, छठी पीढ़ी सातवीं पीढ़ी कितना पैसा इकट्ठा करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो टाइम लूप में फंस जाते हैं, डिट्टो सोचते हैं, डिट्टो काम करते हैं, डिट्टो धन आता रहता है, भोगते कहां है। जो जो व्यक्ति धरती पर इस जन्म को भोग नहीं पाया, वो कहता है इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना है। जब भी सत्संग में ऐसे दुखियारे होते हैं ना, बड़े जो त्यागी नंबर वन बनते हैं, संसार में कुछ नहीं रखा हम तो चले जाना, उनकी सबकी बैंड बजी है, एक भी चैन से जी नहीं पाया, खूब पिटा है जिंदगी ने, उनकी ऐसी की तैसी फेरी है। और जिसने मस्ती से जिया है, एक छोटे किशोर को, किशोरी को पूछा जाए कैसा चल रहा है जीवन, कहते हैं मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, सिवाय मजे के कुछ है ही नहीं यार, इतना लुत्फ है यार। क्यों? क्योंकि वो लगातार जीवन के साथ नवीनता पर चल रहे हैं, कुछ नया खींचे चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति 60 साल की उम्र में भी ऐसा कर सकता है वो बूढ़ा क्यों होगा? जो व्यक्ति मरने से ठीक पहले तक ऐसे चल सकता है वो बीमार क्यों होगा? हो ही नहीं सकता। हाँ जी, आप नवीनता कर रहे हो, नवीनता को डिफाइन कैसे करें? मतलब जो वर्क है, जो काम है, वो तो आपको करना ही है, जो आपको खाना खाना है वो खाना ही है, तो नवीनता से क्या क्या मतलब उसको किस चीज से रिलेट करें? कितना सुंदर प्रश्न किया इन्होंने कि नवीनता क्या होती है। नवीनता को ऐसे आप समझ लें, जब आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी
तो 2 साल बाद आप उससे बोर होने लगेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिट्टो चलेगी, डिट्टो काम करेगी, डिट्टो बात करेगी, सब सेम ही रखेगी। जब वो परिवर्तन लेके चलेगी कि हाँ ठीक है अब ऐसे हो गए हो तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, आप कहोगे वाह इससे प्यारा कोई नहीं। फिर आपका विवाह होगा, फिर संतान होगी। अगर वो संतान के समय भी उन्हीं उसूलों पर चलती रही, रोई रोने पिटने मचाते रही, आप दोनों में झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्लेश हो जाएगा। नहीं, कुछ समय बाद परिवर्तित हुए, हाँ बच्चे के माता पिता है, चलो यार अब इस प्रकार चलते हैं, शांति रखते हैं। फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर आपने उनको कूटना शुरू कर दिया, तेरी ऐसी की तैसी। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी पापा भी मेरी ऐसी की तैसी करते थे, पढ़ 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 मैंने भी करना। नहीं, आप नवीन बने, आपने बच्चे को विकसित होने दिया, आपने कहा प्रेम करेंगे, इसका शरीर ठीक रखेंगे, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, आशीर्वाद को महिमा को समझेंगे, आपका जीवन फिर गर्म रहेगा। अगर आप उल्टा करते हैं, कूटते पीटते, बच्चा क्या करेगा? नफरत करेगा या शायद छोड़ जाए आपको। क्या हुआ? पोस्टमैन की जिंदगी जीते जवाते आपने क्या किया? खो दिया। पोस्टमैन के जीवन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर यहां पर आप आए मेरे पास, खूब सारी कहानियां सुनी, फिर आप चले गए, फिर आपने डिट्टो किसी को सुना दी, आपने पोस्टमैन का काम किया, खुद क्या किया? खुद कुछ किया ही नहीं, पता नहीं क्या किया। अच्छा, बताने का बड़ा मजा है भाई, ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूं। और फिर उसी दुख से खुद ग्रसित है, क्योंकि आप एपिजेनेटिक्स बाहर से परिवर्तित नहीं हो रही। इसको समझोगे अभी आपको डिटेल समझ आएगी, आपको उतरेगी। तो जैसे हम कहते हैं टाइम के साथ चेंज होना, मतलब अडॉप्ट दी एक्सटर्नल कंडीशन, यही तो कृष्ण ने किया था। वो पट्टा जब मर्जी जैसे मर्जी कहानियां बदलता रहता था। सर, जब आप चेंज होने लगते हो तो आपके आसपास सराउंड जो सराउंडिंग पीपल होते हैं वो आपको कहते हैं तू पागल है, वापिस आ। यही तो लड़ाई है, यही तो क्लास है आज। कोई नहीं चाहता पोस्टमैन नौकरी छोड़ दे, सब इसी में लगे रहते हैं, डिट्टो बना रहे, बेटा जैसा था मेरा राजा बेबी, मेरी राजा रानी बिटिया, वैसे ही रहना। जरा सा वो कहते हैं ऐसे, वो इधर पटक के मारते वापिस, इधर राजा किधर जा रहा है। हम सब दूसरे को पोस्टमैन बनाने में चले हुए हैं, क्योंकि हम 85 साल जीवन में सिर्फ यही जीना चाहते हैं, खाया पिया बच्चे पैदा किए सोए और फिर मर गए। जीवन को इस प्रकार जिया कहां के यार, यहां स्वर्ग मिल गया साला, ऊपर पता नहीं कितना बड़ा स्वर्ग होता होगा यार, कमी कोई दिखी ही नहीं, हर समय लुत्फ में जिए। हम सबको जीवन के अंदर ये शिक्षा दी जाती है कि संसार में इंसान मर जाते हैं, उसके बाद हमें बताया जाता है तुम इंसान हो। अब जैसे ही हमारे अंदर ये प्रोग्राम चलता है, अच्छा हम इंसान है, अच्छा इंसान तो मर भी जाते हैं, तो हमारी बॉडी को हम कमांड देना शुरू कर देते हैं अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कि हाँ भी मरने की तैयारी कर लो। कैसे वाले मरते हैं? बीमार वाले मरते हैं, बुढ़े की लाइफ बहुत बुरी होती है, बूढ़े होकर तो तबाही हो जाती है, तो फिर भाई बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तबाही करवाएंगे। यार सड़ के भी मर सकते हैं, अच्छा भाई ऐसे कर लेंगे, हमने कमांड्स अलग अलग ऑन कर दिए, क्योंकि पोस्टमैन की नौकरी है, दिमाग तो लगाया नहीं। अब पोस्टमैन कौन नहीं है जिसने ये जाना? यार हम लोग इंसान का है, हम तो सारा स्पिरिचुअल बींग्स है, हम तो इंसान से ऊपर की चीज है, हमारे अंदर तो ईश्वर की आत्मिक शक्ति है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर दिमाग है, हम कर्म योनि में आए, हम कर्म कर सकते हैं। भोग योनि होती है कुत्ते बिल्ली की, वो सिर्फ भोगते हैं, जो मैं बता रहा हूं इंसान खाया पिया सोया नहाया धोया और मर गया, कुछ नहीं किया पूरे जन्म। ऐसे कुत्ता बिल्ली करते हैं, जानवर करते हैं, पंछी करते हैं, ऐसे पंछी करते हैं, मनुष्य कुछ नया करता, वो कंप्यूटर बनाता है, वो कुछ बात करता है टेलीफोन के थ्रू, वो कहता है यार फोटो खींचेंगे संभाल के रखेंगे, यादें भी संभालना जानता है, मनुष्य कुछ नवीनता करता है। एक मम्मी रोती है, 10 साल से रोई रही है, हाय मेरा बेटा रात को लेट आता है, एग्जांपल है, बंद करो यार। आप खुद सोचिए कितने साल से आप ये कर रहे हो, बेटा भी ढीठ हो गया, बहू के लिए रोते पिटते रहते हैं, बहू ढंग से काम नहीं करती, कितने साल तक रोएंगे आप? ये पोस्टमैन की नौकरी बड़ी खटाक से मिल जाती है, जैसे ही आप कुछ नया करते हैं लोग कहते हैं ये तो बहुत ही बदतमीज है, दुनिया घसीट घसीट के पीट पीट के वापस खींच लेती है, इधर आ जाओ। हम सब इस नायाब धरती पर आए हैं एक नायाब शरीर लेने के लिए, वो मनुष्य का शरीर मिला है। आप हैरानी हो देखेंगे, ये मृत्यु लोक, ये धरती लोक शायद मनुष्य ने कब्जा किया, क्योंकि यहां हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहां जितने भी मनुष्य के अलावा जीव हैं सारे के सारे के राजा हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम यहां तक कि शेर को भी पाल रहे हैं कि बचा लें जैसे तैसे, हम में उससे ज्यादा बड़ी कॉन्शियसनेस है, उससे हायर लेवल ऑफ ब्रेन है, हम कमाल की चीज है, सादे इंसान थोड़ी मात्र हैं। अब हमारे अंदर दिमाग में यदि ये बता दिया जाए कि हम स्पिरिचुअल बींग्स हैं, हमारे अंदर ब्रह्म तत्व है, हमारे अंदर ईश्वर का तत्व है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हम सोच समझ सकते हैं, हम थोड़ी मरते हैं यार, शरीर जाता है। आपके अंदर ये प्रोग्राम चलेगा कि हाँ हाँ ठीक है यार, मस्ती में जियो, जीवन में साला रोना क्यों? अक्सर लोग होते हैं 6 महीने में मर जाएंगे, अब सिर्फ 6 महीने में मर जाएंगे, सारे पार्टी करो,
इतनी पागलों की तरह पार्टी करोगे, 6 महीने में 6 साल वाली कर डाले, क्या बना? एक पोस्टमैन है, मौत आ रही है, बड़ी गंदी बात, मौत नहीं आ रही है यार, शरीर समाप्त हो रहा है, ये वाला सारा बीमार पड़ेगा, दफा करो। अब आप सोचिए, अगर आप बीमार हैं, आपको कष्ट है, अंदर प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, किस वाले की सुन रहे हो? अगर आपके जीवन में पैसे की दिक्कत, काम की दिक्कत, किसी चीज की दिक्कत है, अंदर आपने प्लग कहां लगा रखा है? आप किसकी सुन रहे हो? आप किस हिसाब से चल रहे हो? आप लकीर के फकीर हो, वही सिस्टम जीवन का बनाए बैठे हो। भैया ऐसे ही होता है यार, हमने सबको ये देखा, अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं और कहते हैं हाय हाय हाय। एक कोई ऐसा लल्लू सा पागल सा मिलता है जो बीमारी में भी काम करता रहता है, चलता रहता है। लोग जब बात करते हैं तो उसकी बात कोई रेयर करते हैं, बाकी कहते हैं बीमारी है, आराम करना चाहिए, बीमारी में ऐसे नहीं करना चाहिए। शरीर बीमार हुआ आप क्यों हुए हो? स्टीफन हॉकिंस, नोबेल प्राइज विनर, ब्लैक होल पे किताबें लिखी, वो 27-28 साल की एज के अंदर ही बीमार पड़ गया था, बाद में व्हील चेयर पे रहा वो जीवन के 50 साल। शरीर खराब था, अंदर से नहीं मरा। उसने कुछ नया किया, वो पोस्टमैन नहीं था, वो डिट्टो लाइफ नहीं जी, पापा जी ने बताया था, दादाजी ने बताया था, हम भी ऐसे ही करेंगे। कुछ नवीनता की है। एक बार घर के एक बुजुर्ग के पास पोता आ गया, बोला दादाजी, बोल मेरे बच्चे क्या हुआ? दादाजी वो गाड़ी देख लेनी थी, 4.5 लाख वाली है दादाजी, वो ले लो छोटी सी। बोले तो हाँ बेटा लेना। बोले पापा नहीं मान रहे। आप बोलो ना। बोले कैसे नहीं मान रहा, इसकी ऐसी तैसी, चलो बेटा इधर आ। वो आ गया, बोला हाँ पिताजी बोलिए क्या हुआ? बोले सो गाड़ी क्यों नहीं दे रहा तू पोते को लेके? तो पिताजी 4.5 लाख रुपये गाड़ी है, तू 20 लाख की मर्सिडीज में घूमता है, इसको दे गाड़ी लेके? क्या बात करो पिताजी, बचपन में हमें तो आप 10 के नोट के लिए पीट देते थे। बोले क्योंकि तू बेटा उस बाप का बेटा था जिसके पास साइकिल थी, और ये उस बाप का बेटा है जिसके पास पहली बड़ी गाड़ी है। ये बड़ी बदलाव है, ये परिवर्तन है। इस जीवन को इस प्रकार नहीं जीना कि पोस्टमैन की तरह, पहले भी ऐसे हुआ था, हमारे साथ भी ये हुआ था, हम भी यही करेंगे। बहुएं दुखी क्यों है? सास के साथ क्लेश क्या है? क्योंकि सास ने जो जो सहा है अपनी सास से, वो सास बन के अपनी बहू से ही करवाना चाहती है। वो ये चाहती है, हम तो हाथ से कपड़े धोते थे, आई बड़ी वॉशिंग मशीन ले आई उठा के, अबे लगा ले दो भाई उसे, तुम्हारा बेटा प्रसन्न रहेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा रोमांस का। किन चक्रों में क्लेश मचा रखा है? तुम तो 25-30 साल में शायद बच्चे पैदा करके बूढ़े हुए, इनको तो 50 साल 60 साल 70 साल तक मजे में जी लेने दो। वो कैसे जिएंगे जब मन में ऊर्जा रहेगी? बड़े बुजुर्ग के तौर पे जो बन जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़ी इज्जत, उम्र से बड़े हो गए, बड़े बड़े बुजुर्ग बन गए, आधे पागल होते हैं। ऐसे नहीं चलना चाहिए बच्चों को, वैसे नहीं करना चाहिए। याद करो यार, आज तुम 60 साल के होके सिखा रहे हो, इतने कपड़े पहनो, उतना मत करो। तुम्हारे अंदर जब बचपना था, तुम छोटे थे, तुम्हें तो पीट पीट करके सेट किया गया उन पागलों के द्वारा जिनको तुम गाली बकते थे छोटेपन में, कि यार ऐसे कपड़े नहीं पहनने दे रहे, वहां नहीं जाने दे रहे, ये नहीं खाने दे रहे, फ्रेंड्स से नहीं मिलने दे रहे, तो तुम उन्हें गाली बकते थे। तुम्हारे अंदर भी वही दिल लगा था जो आज छोटे बच्चों का लगा जिनको तुम पीट रहे हो। जब वो बच्चा रिवोल्ट कर जाता है तो कहते हैं तो आजकल के बच्चे कहां सुनते हैं, आजकल तो बहुत गंदी हवा चल पड़ी, टीवी ने तो, टीवी है ये तो नाश कर दिया, कहां गलती है? क्योंकि हम लकीर के फकीर उसी ढर्रे पे जी लेना चाहते हैं। कुछ नया करो, कुछ चमत्कार करो, स्वर्ग बनाओ इसको, ये जीवन, ये धरती स्वर्ग है। छोटी छोटी जी बात पे पति और पत्नी झगड़ बैठते हैं, दो भाई दो बहनें लड़ बैठती हैं, तूने ऐसा क्यों किया, कैसा भी किया, मर लेने तो क्या रखा है, वो उसके जीन्स है, ये तुम्हारे जीन्स है, उसके एपिजेनेटिक्स, बाहर से चलने वाली परिस्थितियां डिफरेंट है, वो कुछ और बन गया है या बन गई है, तुम्हारे अलग है, तुम्हारे शरीर में नवीनता है अलग किस्म की, उसके में नवीनता अलग किस्म की, दोनों अपने अपने में स्पेशल है। ये वाला उसकी कॉपी करे, वो वाला उसकी कॉपी, ऐसा नहीं होता। पति और पत्नी यदि साथ रह रहे हैं, कमाल है भैया, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं तो साथ रहने लायक होते नहीं है, क्योंकि दोनों अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और हर समय ये शिकायत करता है दूसरा, तू मेरे हिसाब से नहीं चली, तू मेरे हिसाब से नहीं चला, साथ हो इसीलिए हो क्योंकि चले हैं, ये असंभव है। नहीं तो एक बार पता चले वो पति पत्नी नहीं है, उनका कॉमन सूत्र बच्चा साथ नहीं है, अगले दिन लिख के तलाक दे दें, भाई अब तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, बंधन बंध जाते हैं, जीवन जीने के कारण बन जाते हैं, समाज हमारे को दबोच लेता है, इस कारण से हम लोग साथ जी रहे। ये पोस्टमैन की लाइफ ही तो चल रही है से, ओ गंदी बात, ओ अच्छी बात, इन चक्रों में फंसे हो।
हमारे जीवन में हमारी अपनी पहचान के लिए हम बहुत तड़पते हैं। हमारी सबसे ज्यादा बड़ी कमी यह है कि अपना स्पेसिफिक डीएनए कोड, अपना स्पेसिफिक सिम कार्ड होने के बावजूद हम अपनी इज्जत नहीं करते, और अपने जीवन में हम अपने तौर पे अपने को अपनी नजरों में हमेशा गिरा हुआ सोचते हैं। क्यों? उसकी नजर में उठे नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, हाय ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, लोगों को पता चल गया हमारे पास पैसा नहीं है तो कैसे होगा। आप लोगों को और लोगों से इतना डर है कि हर समय आप मूलाधार चक्र में नाचते रहते हो। भय के द्वारा यमराज आपका जीवन चलाता है और डरे हुए मरे हुए लोग होते हैं। हाँ जी, कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से शादी की, फिर भी छोड़ के मतलब राधा के पास चले गए या रूप के साथ चले, ये उनको छोड़ना कैसे, उनको सही नहीं था ना पत्नी उनकी, चंद्रीन था जो सही आदमी था, नहीं अच्छे मतलब कोई अच्छे हैं तो हमें तो कोई करनी नहीं ऐसे, काश हम भी ऐसा कर सकते। ये गलत बात है भाई, सिखाने के लिए कोई बताया हो ऐसे नहीं किया। देखो कृष्ण जी कितने चालू थे, कितने छलिया थे, सारे काम किए, टंकीबाजी के, रुक्मणी से शादी की, छोड़ के राधा के पल्ले चले गए, और सब कहते हैं भगवान है, हाय काश हम भी ऐसा, ऐसा सोच रहे यार हम भी ऐसा करेंगे, भगवान ने ये किया है तो हम क्यों ना करें। वहां भगवान की गंदी बात ढूंढ ली, क्योंकि किसने ढूंढी है, क्योंकि पोस्टमैन, गंदी बात भगवान ने किया था, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं होता। कृष्ण ने आपको ये पर्याय दिया है, सिर्फ पुरुष के पॉइंट से नहीं है, स्त्री के पॉइंट से भी है। ऐसी भी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अर्जुन को कहीं जाते जवाते, कट शॉर्ट बता रहा हूं, एक कन्या मिली, उसने बोला मुझे पुत्र चाहिए, तुमसे बोले ओके डन। स्त्री भी ऐसा करती थी, ये स्थिति नहीं है कि पुरुष को अकेला हाईलाइट किया जाए। इसका तत्वार्थ ये है कि नहीं चल रही चैन से तो दफा करो यार, प्रेम तो मत खत्म करो, प्रेम तो खत्म नहीं करो। आज सारे झगड़े क्यों है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, प्रेम के झगड़े, पति पत्नी के रोने रापे, जबरदस्ती टिके हुए, जबरदस्ती टिके हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम धेले का नहीं है। क्यों टिके हुए यार? समाज की वजह से। क्यों? पोस्टमैन। अच्छा जी, कहना बड़ा आसान है, करके दिखाओ, जिसने करके दिखाया ना उसी के सपने लेते हो, फिर अब बाद में कहते यार ये था यार दमदार गंदा, क्या जिंदगी जिए यार इसने। तो जब कृष्ण ने ऐसा किया तो पहले तो ये मान के चलो कि ऐसा करने में बुराई नहीं है, अगर आप कृष्ण हैं। हम कृष्ण जैसे नहीं है, इसलिए हमारे पास ना करने का हक है ना करना ये उचित है। इसलिए पहला काम है कृष्ण बनना, और कृष्ण तो पोस्टमैन था ही नहीं, उसके तो सारे पासवर्ड सुरक्षित थे, तो या तो ऐसे वाले बन जाओ, पर ऐसे तो बनना नहीं चाहते, बनना तो पोस्टमैन ही चाहते हो। वही जो बतला रहा था बात बीच में छूटी प्रश्न के, कि हमारे अंदर जो होता है अपने आप का खोखलापन, हम हर समय अपनी ईगो से टूटते हैं। मन कहता है यार ये चाहिए, कोई एक्स चीज चाहिए, अब एक्स चीज चाहिए, ईगो कहती है ठीक है मैं लाती हूं ना, हमारे अंदर अहंकार है, कहता हाँ ले कमाल है, अभी प्रोक्योर करते हैं। जब वो चीज नहीं मिलती, नहीं बनती, नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं मिलती, तो टूट जाती है। तो जब वो ईगो तड़पती है कि कुछ नहीं मिल रहा, तो उस ईगो से मरे व्यक्ति की एक जीवन की समस्या आती है, यार कोई चाहिए मुझे, कोई सहारा दे, और वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। जब आपको कोई व्यक्ति कहता है हाँ मैं तेरे साथ हूं, आप देखेंगे आपके अंदर जो दबी हुई लाइफ एनर्जी से दोबारा हो जाती, कहते हाँ ठीक है सहारा मिला, ओ लंबी सांस आई, आराम आया, एकदम से आपके अंदर ऊर्जा आती है। अब जब ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आप उसको खोना नहीं चाहते, आप कहते हो हाँ यार इसको खोना नहीं है, और जब ये मिल गया है तो क्या करना है। तो जब उस व्यक्ति को दूसरा मिल जाता है तो वो नेचुरली उसके साथ शेयरिंग करना स्टार्ट करता है, और वो उसे बात बतलाता है कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ, अच्छा मैंने वहां वो सुना, अच्छा पता है ऐसा चल रहा है, अच्छा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। ये पोस्टमैन की नौकरी शुरू हो जाती है। आप धीरे 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 ये नेचर डेवलप कर बैठते हैं कि सब बताना होता है यार, सब बताना है। आपके जीवन में बहुत कुछ होता है, आपको रिएक्ट करना नहीं आता, तो आप बड़े परेशान हो जाते हो यार, ऐसा मुझे सुनने को मिला, इसका करना क्या यार, पता तो है नहीं, नहीं किसी को बताना नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा। बेइज्जती होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि इज्जत बेइज्जती का सवाल है। उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं, उसको छोड़ जो मिलेगा उसको बताते हैं, फिर वो ज्ञान बन जाता है, विज्ञान, बात, चुगलखोरी, गॉसिपिंग, और हम बतलाना शुरू कर देते हैं। पता है ऐसा हुआ, डायलॉग होता है, पता है, नहीं पता तो नहीं है, तो क्या हुआ, मैं बता तो रही हूं, बता तो रहा हूं, पता तो करना पड़ेगा ना। अक्सर जो लोग बोलते हैं ना पता है, फिर अगला पता क्या कहता है, हाँ हाँ बताना 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 बताना, तड़प लग रही है अंदर से, बताना मैंने भी आगे बताना है। जब उसको रिएक्शन नहीं पता तो अक्सर वो दूसरे को बतलाता है अपनी बात, कोई भी बात, जिसे गॉसिप कहा जाए, बकवास कहा जाए, और वो पोस्टमैन की नौकरी लेकर डेट सिर्फ डिट्टो सेम टू सेम उतार के दूसरे के कान में डालता है। फिर वो कहता है यानी कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जिसने बताई उसको लगता है बड़ी इज्जत बनी है,
इज्जत बहुत बनी। अच्छा मुझे रिएक्शन नहीं पता था, देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है। अगला भी आपको कुछ बतला देता है और आप उसको भी रख लेते हो, अच्छा ऐसा रिएक्ट करना है, ऐसा रिएक्ट करेंगे अगली बार। आपने रिएक्ट करना होता नहीं है, आप वो भी न्यूज की तरह अगले को बतला देते हो और थोड़ी देर के बाद आप वैसे के वैसे रह जाते हो, सूचना इधर की उधर की इधर जा रही है, हो कुछ नहीं रहा। घर में लड़ाई सिर्फ इसलिए होती है, लड़का पोस्टमैन बन जाता है, मम्मी वो तो ये कह रही थी, फिर वो आती हानी तो ऐसे कहती है मेरी बहू, दो टके की लड़की, इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, ये इसने उस दिन वो भी तो किया था। फिर लड़का बड़ा भुन भुन करके जाता है पोस्टमैन, फिर वो कुछ कहती है, सुन तूने उस दिन ये किया था, वो कहते हैं देखा तुम्हारी माँ है तो कल घोर फलाने निमकान है वो। अच्छा फिर वो मम्मी के पास जाता है, बेटा क्या खाए हो, क्या खा रहे हो, क्या खाओगे, कहाँ चलोगे, मम्मी आप क्या चुगली करते रहते हो। उसे ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, वो अखबार बांट रहा है, एक मराठी में छप गई, वो मलयालम वाले को दे दी, मलयालम वाली मद्रासियन को दे दी, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा, सूचना इधर की उधर जा रही है और कीचड़ हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, एक सीताफल की सब्जी का चम्मच उठाया, उसे दाल में ठोक दिया, दाल वाला उठा से रायते में डाल दिया, रायते वाले को गुलाब जामुन में डाल दिया, किसी को किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी को किसी लायक नहीं छोड़ा। ये पोस्टमैन का काम है, ये बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल है, बड़े लेवल पर अभी आएगा, आप देखेंगे जीवन में कहां से कहां क्या जा रहा है यार। साला कुछ नया नहीं कर रहे हम, वैसे के वैसे पैदा हुए, वैसे के वैसे जी और आखिर में मर गए। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो उसका कारण होता है, मान लेते हैं एक सॉल्ट हमारे शरीर में कम हो गया, हमारे शरीर में इतना सॉल्ट चाहिए उसको पूरा करने के लिए, मान लेते हैं ये 100 है, इसकी वैल्यू 100 है कि भाई इतना विटामिन होना चाहिए, इतना कैल्शियम, इतनी मात्रा फुल होती है। ओवर द टाइम आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, शायद भोजन अच्छे से नहीं ले पा रहे, शायद आपको बीमारी आ गई, कोई स्ट्रेस हो गई, इसका लेवल गिर जाता है और ये गिर करके 40 पे आ जाता है। बॉडी ने 100 पे जीतो है, फर्स्ट क्लास काम किया, 40 पे आई तो दर्दें बतानी शुरू कर दी, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो गई है, कुछ सिर में दर्द होने कुछ होने लगा है, कुछ कमी हो गई है, तो आपने एक गोली देता है डॉक्टर, ये गोली खा लो, आपकी भी इस गोली से आराम आएगा। धीरे धीरे एक 50 से ऊपर की मात्रा जिसपे शरीर थोड़ा बहुत चल लेता है, धीरे धीरे वो गोली इसको उठा करके ना 60 पे ले आती है। अब आपने गोली का सहारा ले लिया, आपने अपने जीवन के अंदर भोजन ठीक सुधार लिया, थोड़ी नींद भी सुधार ली, आपका शरीर रोज इसकी 20 ग्राम 20 ml 20 की क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है शरीर में, और आप रोज जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी 20 इस्तेमाल हो रही है, तो आप ऑप्टिमम सेट हो जाते हैं, उस गोली से ठीक हो जाता है। उसके बाद जब आप और ज्यादा इजी होते हैं, थोड़ा और आराम आता है, महीना दो महीना कहते हैं 6 महीने का कोर्स करते हैं, 3 महीने, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है 60 पे ही मेंटेन होने लगती है, ये बॉडी 20 बनाती रहती है, 80 तक पहुंचता रहता है, शरीर काम करता रहता है। अब अगर आप दोबारा स्ट्रेस लेते हैं, दोबारा तनाव करते हैं, क्लेश करते हैं, परेशानी लाते हैं जीवन में, फिर ये धीरे धीरे ज्यादा गिरती है, कम बनती है। तो एक लेवल के बाद क्या किया, आपको गोली छोड़ दिया आपने, आपको गोली छोड़ देनी चाहिए, गोली छोड़ दिया, ठीक हो गए हम, क्योंकि बॉडी ने उसको बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं गलतफहमी में, क्योंकि पोस्टमैन है, सुना सुनाई बात है, नहीं यार गोली खाते रहो, तो वो गोली खाते रहते हैं, बॉडी क्या करती है 20 बनाना ही छोड़ देती है, वो कहते हैं बाहर से 20 मिल तो रहा है रोज, बॉडी को प्रैक्टिस होती है, रोज एक बाल्टी उठाते हैं तो बॉडी को ताकत नहीं लगती, कुछ टाइम बाद तो हिस्सा बन जाता है, आपने उठाई नहीं 20 दिन, फिर आप उठा रहे हो बोले वो कंधा उतर गया, बॉडी ने 20 बनाना ही बंद कर दिया और आप गोली पे एडिक्टेड हो गए, इसे एडिक्शन बोलते हैं, किसी किस्म की भी एडिक्शन ये होती है। तो बॉडी का नेचुरल सिस्टम आपने डाउन कर दिया, तो बॉडी के जीन्स जैसे वाले थे वैसे वाला काम आपकी लाइफ में शरीर से होने लग जाता है। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर आप कमजोर हुए, आपकी लाइफ एनर्जीज गिर गई, स्ट्रेस में थे, परेशान थे, वीक थे, आपके जीवन में कमी आई, आप थके हो, उदास हो, आपको कोई मित्र मिला, आपने बातचीत करी बड़ा प्रेम से, उसने सहारा दिया, नहीं नहीं क्या दिक्कत है यार, होगा ठीक, आप थोड़े दिन में कहते सुधार है यार, पहले से बहुत बेटर है स्थिति। तो जब वो आपकी बॉडी में तरंग आई, आराम आया, 4 दिन 10 दिन 20 दिन, उसके बाद आप बेटर फील करने लगते हो, फिर एक्चुअली आपको उस व्यक्ति की, उसके सहारे की जरूरत नहीं है, आपको वापस अपने आप में अकेले हो जाना चाहिए। आपके अकेले होने पर पुनः जीवन ठीक हो जाएगा, लेकिन आप क्या करते हो, एडिक्टेड हो जाते हो और उस व्यक्ति से बंध जाते हो, ऐसे ये बंध, और कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हो,
क्लोजनेस आ गई है, अब तो यार तू मेरी सुन मैं तेरी सुन, और फिर वही शुरू हो जाता है। पता है इसने क्या किया, पता है उसने क्या किया, ऐसे नहीं करना होता यार, इस तरह होता है। ऐसे एक मास कॉन्शियसनेस, एक वेव चलनी शुरू हो जाती है। देखो यार धरती पे आए हो ना, देखो मैं तो सत्संग में गया था, तू तो मेरा भाई है इसलिए बता रहा हूँ भाई, उसमें तो बता दिया यार नॉनवेज नहीं खाना चाहिए भाई, बहुत गंदी बात होती है। बोले है फिर तू तो मेरा क्लोज है यार, तू कह रहा है, अच्छा यार तूने सुना है, अच्छा कितने लोग, 400 थे वहां, ओ यार 400 तो बहुत सारे पोस्टमैन है, फिर तो यार ठीक ही होगा, फिर तो यार मैं छोड़ देता हूँ भाई, आज के बाद नहीं खाऊंगा नॉनवेज, नॉनवेज खाना तो पाप है। फिर वो घर आते हैं, घर आके कहते हैं साले कितने मच्छर है यार, लाना वो रैकेट लाना जरा मच्छर मारने वाला, चट चट चटा चट 35 मारे आज मैंने, ये पाप नहीं था, ये पाप नहीं था, मुर्गा खाएंगे ना भाई, एक मुर्गा खाओगे मजा आएगा, पाप कर लिया मजा कितना आया, स्वाद आएगा। वैसे एक भी पूरा खाना भारी है, एक मुर्गा भी दो बार में खाएंगे आप मान लो, तो आपने एक जान ली दो दिन एंजॉय करके, आपने रोज रैकेट लेके 35 मच्छर मारे, चलो पाप तो बहुत ज्यादा यार, मुर्गा खाना इज बेटर। आप सोचिए कैसा पाप और पुण्य हमने खुद ही बना रखा है, क्यों हमारा है ही नहीं, क्योंकि सर दोनों सेम ही है। क्या चीज, ये बात है मच्छर मारना और नॉनवेज खाना, तो भाई वो भी नॉनवेज है मच्छर भी, नहीं नहीं समझी नहीं, आपने वो अपनी सेफ्टी के लिए मारा, वो अपने टेस्ट के लिए, तो टेस्ट भी तो एक अपनी चीज है, सेफ्टी भी तो अपनी चीज है। ये गलत फहमी है कि हम चिकन को टेस्ट के लिए खाते हैं, उसमें मसाला डाल डूल के टेस्टी बनाते हैं। जो लोग जेन्युइनली चिकन के बेनिफिट लेते हैं वो बॉइल्ड चिकन खाते हैं। जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, जितना शरीर को ठीक करने वाले, जितना प्रोटीन लेने वाले हैं, वो स्वाद न स्वादा बेस्वादा चिकन खाते हैं, उससे उनकी बॉडी को मैक्सिमम गेन होता है। जब स्वाद डाल दिया तो गेन कम हो जाता है। बॉडी को चिकन बॉइल्ड पचाने में यूं खुशुम 45 मिनट में निपटा देगी, आप उसको मसालेदार बनाओ, फुकाओ, तलाओ, फलाना करो, 3 घंटे लगेंगे, 120 से 180 मिनट लगते हैं चिकन को निपटाने में। रेड मीट को तो 3 घंटे से 4 घंटे लगते हैं, सेम बर्गर वाला टाइम। तो मच्छर और मच्छर को जो मारा गया है वो भी उसी लिए मारा गया जिस चीज के लिए चिकन खाया जा रहा है। हमने इसको बना दिया है क्योंकि पोस्टमैन की नौकरी, अपना दिमाग कभी लगाया ना, किसका दिमाग लगा रहे हम, उससे सुन के जिसने अपना नहीं लगाया था, उसका दिमाग लेके चल रहे। लोग कहते हैं शराब मत पियो, शराब बहुत गंदी चीज है, धरती पे पाई जाने वाली हर चीज में शराब है, राइस चावल में शराब है, उसकी बनती है वोडका। आप रशिया जैसी कंट्री में रह नहीं सकते वोडका के बिना, रहते हैं रहने वाले, लेकिन वो आसान करती है। ब्रिटेन में इतनी ठंड पड़ती है, अगर वो शॉट ना मारे स्कॉच के तो पागल हो जाए, बॉडी बीमार ज्यादा पड़ जाए। आप हैरान होंगे क्वेबेक जैसे एरिया में जहां भीषण ठंड पड़ती है कनाडा में, वहां ठंड के अंदर लोग बियर दारू ठोकते रहते हैं अपने अंदर, और 80-90-100 साल तक साले मुर्गे खा पी के दारू पी के जिंदा रहते हैं। वो क्यों नहीं मरते, इतने पाप करने के बाद क्यों नहीं मरते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है पाप है, उनके अंदर वो प्रोग्राम नहीं डाला गया कि ये पाप है या पुण्य। हमारे अंदर प्रोग्राम डाला गया है, इंसान मरता है और फिर ये बताया गया हम इंसान है। हमें ये जानना हम इंसान नहीं है, हम आत्मिक शरीर है, हम ब्रह्म के जुड़ाव के बच्चे हैं, हमारे पास एक शरीर है जिसकी अवधि पूरी होती है, हम तो कभी मरते ही नहीं। हमें ये बताया जाता है बेटा कर्जा आ गया तुम पे, तबाह हो जाओगे तुम, हमने अंदर प्रोग्राम चला दिया कर्जा आ गया अब तो तबाह होंगे। आप मजे की बात सुनेंगे, भारत का सबसे ज्यादा अमीर आदमी अंबानी, भारत में सबसे ज्यादा कर्जा उसने रखा है, हाईएस्ट कर्जा है उसके, उसके पास इतना पैसा है बैंक्स का, इतना पैसा आप हैरान होंगे, लाख करोड़ रुपए पता नहीं कितना अंधा पैसा, अडानी अंबानी ये सबके पास नोट का है, कर्जे का ही तो है। जिसने अंदर जो प्रोग्राम चला दिया उसकी लाइफ वैसी बन जाती है, और प्रोग्राम चलवा कौन रहा है पहले ये देखो, आपके आपकी लाइफ में हो रहा पंगा साला चलाया किसने। आपके पास अभी थोड़े दिनों पहले आपने दस लोगों के बीच जाना शुरू कीजिए कि हम एक ऐसे अस्पताल में जाते हैं जहां लोगों को घुटने की तकलीफ है, आप घूमना शुरू कीजिए वहां, थोड़े दिन आप करेंगे बिचारी कैसे चल रही है ना, हाय बेचारा कैसे चल रहा है, हाय इसके तो हाथ में भी लगी हुई है। 15 दिन आप घूम फिर के आएंगे, आपके अंदर प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा, और थोड़े दिन में आप कोनी तोड़ के बैठे होंगे, अपने आप होगा ये। वहां डॉक्टर घूमते रहते हैं, वो कैसे घूमते हैं, टूटे फूटे बाढ़ में दफा पर सब अपना काम किया निकल लिए, जो डॉक्टर उससे जुड़ जाता है वो उसी बीमारी से मर जाता है, क्योंकि आप उससे जुड़ गए, आपने दूसरे की चिट्ठी लेनी शुरू कर दी। कितनी चिट्ठियां लोगे यार, आप दूसरे की चिट्ठी का एनालिसिस करते ही क्यों साले, लेते ही क्यों इन्फॉर्मेशन। विवेकानंद के पास किसी ने आके बोला, ये कहानी है छोटी सी, कि जी आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं,
तो बोले भाई क्यों बताना चाहते हो? नहीं जी आपसे खबर बतानी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पूछा अच्छा पहले मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दो, क्या इस खबर का मुझसे कोई लेना देना है? बोले जी नहीं आपसे तो नहीं है। क्या इस खबर से ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूं? वैसे तो जी आपका इसमें करने को भी कुछ नहीं है। क्या इस खबर को मेरे जाने बिना जीवन तबाह हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं जी ऐसा भी नहीं है। तो बोले जाओ फिर मुझे नहीं सुननी। मैंने कर रहा क्या सुन के बेलिया सुनाने सुनाते रहो, मेरे साथ ना ये हुआ मेरे साथ ना वो हुआ। अरे तो तुम्हारे कर्म है, तुम अपने अंदर देखो कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तुम्हारे अंदर का प्रोग्राम कौन सा है, वही तुम्हारी बॉडी के साथ हो रहा है। तुम अंदर से खुश हो आप बॉडी हील हो जाएगी, आप अंदर से दुखी हो आप बीमार पड़ जाओगे। आपके जीवन में आप सिक होते हो, सिक सिक इज बीमार, दूसरा है हेल्दी, हील हील डाय, डाय मींस वो। बड़ी मजे की बात है, हेल्दी हेल्दी मींस ठीक, ठीक कौन, मैं ठीक मतलब मैंने दूसरे को हील किया मैं ठीक हो गया। आपकी लाइफ में आप हमेशा दुखी दुखी रहते हो, क्यों? क्योंकि आप खुशी को ढूंढ रहे हो। ये मैंने खुशी ढूंढनी शुरू की, कहां ढूंढ रहा हूं मैं खुशी? खुशी वहां ढूंढ रहे हैं, खुशी उसमें ढूंढ रहे हैं, खुशी इस चीज में ढूंढ रहे हैं, खुशी उस पैसे में ढूंढ रहे हैं, इससे मिलेंगे उससे मिलेगा उस। खुशी कहां ढूंढनी है? खुशी बाहर थोड़ी होती है, खुशी हमारे अंदर है तो ही हम खुश हो सकते हैं। किसी चीज के मिलने से तो लालच पूरा होगा, खुशी का क्या लेना देना? तो खुश कैसे हो सकते हैं हम, कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, हेल्दी कैसे हो सकते हैं? खुद हम अपने जीवन में जब बहुत परेशान है बहुत झंझट में है तो मिशन बना लें कि ना दूसरे आदमी को ये सुख देना है, यार ये खाना बनाना है, ये सामान देना है, ये प्रेम से बात करनी है, ये दूसरे व्यक्ति का सहारा बनना है, चलो यार उसको कहीं छोड़ आते हैं। दूसरे को खुश करेंगे, आपने दूसरे को खुश करना है। कौन सी वाली चीज से? एक चीज से, वो चीज आपके पहले अंदर आएगी, आपके अंदर आनी शुरू होगी पहले वो, तभी तो आप दूसरे को दोगे। जब वो आपके अंदर आनी शुरू होगी पहले वो आपको हील कर देगी, फिर आप दूसरे को दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपके अंदर तो होनी चाहिए खुशी, तभी तो आप दूसरे को खुश करोगे। जे बच्चे को मिलके हम क्यों कहते हैं मजा आ गया गोलू मोलू कितना प्याला बेबी है? क्योंकि वह अंदर से खुश है, वो तोते उड़ा बैठा है सबके अपने मजे ले रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। हमें बहुत लेना देना है, वो भाई खबर दे तू, खबर दे तू दे, इसलिए हम खुश नहीं है, इसलिए हम बच्चे ढूंढते हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग काहे को बैठे रहते हैं कोने पर, बोलते रहते हैं अरे लल्ला कब होगा, अरे लल्लू तेरी शादी कर दी अब लल्ला कब होगा। अबे तुम्हें क्यों चाहिए लल्ला? क्योंकि तुम उसको खुश करने के चक्कर में पहले अपने अंदर एंजॉयमेंट लाओगे और तुम्हें वो अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें परंपरा अनुसार किसी ने सिखाया ही नहीं और तुम बेवकूफ के बेवकूफ बने, बेवकूफ बुड्ढे बने और बेवकूफ ही होकर मर जाओगे। तुमने जीवन भर ये जाना ही नहीं, समझा ही नहीं और उसी पोस्टमैन की नौकरी पे चलते हुए जी रहे हो। जब तुम अंदर से खुश हो तुम्हारे पास बच्चे आएंगे। एक कबूतर पकड़ने वाले को कभी देखिएगा या कबूतर पालने वाले को देखिएगा, पकड़ना गलत शब्द बोल दिया मैंने, बहुत देखे हैं। पुरानी दिल्ली में थे हम तो वहां बोलते थे वो बैठा तो बंदा, एक बड़ा सा पटरा होता था, पटरा कहते थे लकड़ी का पटरा या पटरी, उस पर बैठे छोटे छोटे आले बना रखे हैं और वो फेंक रहा दाना आ आ आ आ। अब कबूतर आ रहा है, कबूतर बाजी कहते थे इसको, अब कबूतर आ रहा है। उसके अंदर ना कबूतरों के लिए प्रेम है, उसके अंदर है प्रेम, जैसे खुशबू नहीं लगा लेता कोई, फिर कहते हैं आप में से बड़ी नकली खुशबू आ रही है, एक असली खुशबू भी होती है। आपके सचमुच में आपके शरीर में गंध होती है वो जानवर पकड़ लेता है, पक्षी पकड़ लेता है, पंछी पकड़ लेता है। वो ऊर्जा से आपके अंदर की ऊर्जा स्वस्थ है ना, आप खुश रहेंगे, आप सारा दिन घूम के आएंगे 43 डिग्री टेम्परेचर में, आपके पसीने से व्हाइट शर्ट पहनी हुई पीली नहीं होगी। आप क्लेश में रहेंगे, आप सारा दिन घूम के आएंगे, आपके व्हाइट शर्ट के पसीने से शर्ट पीली होगी, आप जल रहे हैं। तो जब वो कबूतरों को बुलाता है उसके अंदर है प्रेम, कबूतर खुशी खुशी उसकी गोद में आके बैठ जाते हैं। आप बुला के देखो, पहले तो आपकी लगी पड़ी है लंका, आप ही डरे बैठे हो यार चोंच मार देगा। कबूतर को भी हो रहा है चोंच मार, कुछ मार देने वाली बात चल रही है अंदर इसके, वो आएगा नहीं। आप प्रेम से करके देखो ना, आपके अपने अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? अपना प्रोग्राम किसका चल रहा है? पोस्टमैन, किसी और का, किसी और के प्रोग्राम को चलाए बैठे और वही आप चिट्ठी बांटने में लगे हुए।
और भाई साफ दिल के, हम तो बहुत साफ दिल के हैं, हमारी ईगो तो बहुत अच्छी है, हम तो साफ दिल के हैं, हम तो मेरा नाम जोकर है। अबे तुम साफ दिल के क्यों हो, उससे क्या मिल रहा है, तुम खुद को नंबर दिए जा रहे हो, हम तो बहुत साफ दिल। साफ दिल का अचार टलेगा, तुम छोटे बच्चे रहे नहीं। आज अपने जीवन में तुम्हें स्वयं इवॉल्व होना है। स्वयं इवॉल्व होने का मतलब बाहर से एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जीन्स को बदलना है। क्यों बदलना है, आपके जीन्स हैं, आपके घर में पैदा हुए सारे के सारे लोग मोटे मोटे हैं, आपकी मम्मी मोटी थी, आपके पापा मोटे थे, आपके दादा मोटे, शब्द खास तौर से बोल रहा हूं मैं, इसका उदाहरण दूंगा तो आप कहेंगे हमारे जीन्स में भी है, हम मोटे होंगे, और वो फैक्ट है, आपके जीन्स में फैक्चुअली ऐसा है कि आपके शरीर भारी होगा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कैसा कुछ आप कर सकते हैं उसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, जिसके द्वारा आपकी कमर पतली हो जाए, आप ये कर सकते हैं। हमारे जीवन में क्लेश किया है पोस्टमैन की स्थिति का, कहा गया है यार भगवान की मर्जी है, अबे भगवान की ऐसी तैसी तुम्हारे अंदर बैठा है, वो उसकी मर्जी चलाओ, तुमने इमीडिएट अंदर प्रोग्राम में कर दिया, हमारे घर में ऐसे ही है तो हम भी हैं तो कोई बात नहीं, और तुम्हारे जीन्स को आदेश मिल गया, वो जीन स्विच ऑफ हो जाएंगे जो पतला कर सकते हैं आपको। आप चाहते नहीं पतली कमर हो, कोई नहीं बता रहा, चाहते सब है। भाई किसी ने कल्पना की है, किसी ने कल्पना की है कि ये मोरपंख और ये राधा रानी ऐसी हो सकती है, राधा रानी स्लिम ट्रिम होनी चाहिए, तो क्यों चाहिए स्लिम ट्रिम, क्योंकि वही हमारी कल्पना है, लेकिन हमने क्या आदेश दे रखा है, नहीं हो तो सकता नहीं यार, नहीं वो जीन्स में यार, वो परिवार में ऐसा है यार, हम खाते इतना ज्यादा है यार, नहीं यार पराठे खाते ना यार, उसकी वजह से ऐसा है, वो आपका प्रोग्राम चल रहा है इसलिए अंदर जीन्स कहते हैं, ठीक है 2 इंच बड़ी जीन लो कमरिया लचके रहे बाहर जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपने अभी तक वही लकीर के फकीर बन के पुरानी परंपरा से पीटना शुरू किया, पिताजी भी यही कहा करते थे, दादाजी भी यही कहा करते हैं, अबे तुम्हारे दादा और पिता को अकल नहीं थी, हाँ ये तो पाप है, उनका अपमान कर दिया, तो भैया मान करते हो तो सिर्फ चरण मत छुओ ना, प्यार करो ना, उनका ध्यान दो ना, कभी डांटना मत ना जीवन में एक बार भी, सहयोग देना ना उनका, कभी शुशु पट्टी उठा के देख लो उनके भी, तुम्हारे तो बहुत उठाए होंगे उन्होंने, ये सब ना होगा, ये सब कर नहीं सकते, लेकिन मान अपमान की बातें करते हो, सत्य में प्रेम जानते कहां हो, करके दिखाओ ना। हम क्यों दुखी हैं, मम्मी भी बहुत दुखी है, अरे तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफी कर रही है, उल्टा तुम ठीक करो, नहीं वो हम दुखी नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, उनका दुख है, नहीं उन्होंने हमारे लिए इतना किया, कोई बड़ा एहसान नहीं किया, तुम भी अपने बच्चे के लिए वो करोगे, इट्स अ प्रोग्राम, ये तो चलता फिरता प्रोग्राम है, हम नहीं करेंगे तो बच्चों की कौन करेगा, मर जाओगे तो बच्चों को कोई ना कोई कर ही देगा, कोई ना कोई कर ही देता है, सब अपना भाग्य लिखा कर लाए हैं। आप वो ना बन सके जो आपके माता पिता चाहते थे, तो आपके बच्चे कैसे वो बन जाएंगे जो आप चाहते हो, और अगर आप वो बन गए जो आपके माता पिता चाहते थे, तो आपके माता पिता के बहुत बढ़िया पोस्टमैन थे आप, और अगर आपका बच्चा कुछ और बन रहा है तो आपके जीनोम में इवॉल्व कर रहा है, आपके जेनेटिक लेवल पे आपके जीवन में इवॉल्व कर रहा है, मीन्स आगे बढ़ेगा, तभी कंगाल के घर राजा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है मैं राजा हूं, ये एक राजा है, इसे राजा बना देते हैं, इसको इंफॉर्मेशन देता है एक व्यक्ति आकर के, मुकुट उठा दे कृष्ण जी का सेटिंग कर लेते हैं, एक व्यक्ति ने आके इंफॉर्मेशन दी, फिर दूसरे ने पोस्टमैन की तरह इंफॉर्मेशन दी, तीसरे ने इंफॉर्मेशन दी, चौथे ने इंफॉर्मेशन दी, कुछ नहीं कर रहे, चिट्ठी की चिट्ठी बातें बता के यहां डाल रहे, क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे ये जानते हैं भैया कुछ नया सोचेगा करेगा दिखाएगा तो यही करेगा, हमसे तो ना होता, और ये क्या करता है, ये कहता है हाँ इसकी भी सुनी उसकी भी सुनी, ठीक है ये बेकार खबरें छोड़ो, ये सारी वाहियात बातें छोड़ो, इन पे ध्यान नहीं देना, इस बारे में सोचता हूं, वजीर को बुलाता है और उससे विचार विमर्श करता है। आप वजीर क्यों नहीं बनते, आप राजा क्यों नहीं बनते, आप क्यों नहीं ऐसा कर बैठते कि हाँ भैया कोई कमी रहनी नहीं जीवन में, क्योंकि अक्सर आपका प्रोग्राम अंदर चलता है, एक विवाहित व्यक्ति के जीवन के एग्जाम्पल से लेते हैं, आप ऑफिस से आ गए, आप बड़े दुखी, आपके ऑफिस में झंझट था, पोस्टमैन ने वही वर्दी पहन रखी है दुख वाली, दुखी है, अब घर के वो घर में वो माता रानी आती है, देखती है आपको, कहती है क्या हुआ जी, फिर आप कहते हो
अरे देख मेरा बुथा, देख मेरा लटका बचेरा, देख देख मैं कितना दुखी हूँ, देख देख मेरी ईगो टूट गई है, अब चल मुझे थोड़ा मेरे को पैंपर कर दो, पैंपर। फिर वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या हुआ क्या बताओ कैसे आप। कहते हाँ कुछ अच्छा लगा, चाय अदरक वाली लाइयो। अरे सुन यार, बड़े झंझट है लाइफ में, मैं तेरे को पूरी चिट्ठी सुनाता हूँ। अब वो पूरी चिट्ठी आप उसको सुनाना शुरू कर देते हो, पूरी रामायण सुनती है वो। फिर वो कहती है ये तो बाबू बड़ा दुखी है यार, बड़ा लफड़ा है तो है, ये तो दिन रात आराम कर देगा और कल बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है मेरे को और काम भी है, अपनी लंका से मेरी लंका डुबो रहा है और बड़ी परेशान होती है। तो वो क्या करती है, वो उस बारे में चिंता की बजाय चिंतन की बजाय चिंता करनी शुरू कर देती है। वो आपको रास्ता नहीं सुझा सकती, वो फैक्ट बात है, आपको स्वयं ही समझना पड़ेगा। वो आपको हिम्मत दे सकती है, आपके अंदर जो गिर गया था कैल्शियम, जो 100 का 40 हो गया था उसको 60-70 कर देगी आज शाम के लिए। आपको चलो कोई नहीं यार, आत्महत्या नहीं करनी भाई, ठीक है भाई। लेकिन आपने अभी एक व्यक्ति जप रहा था, टेंशन टेंशन टेंशन, अंदर प्रोग्राम चल रहा टेंशन है टेंशन है। अब वो पत्नी के अंदर भी प्रोग्राम चलना शुरू हो गया, टेंशन है टेंशन है। घर में एक एक्सिस मेल की होती है, एक एक्सिस फीमेल की होती है, क्रॉस बनता है। एक एक्सिस यूं जाती है मेल एक्सिस, ये जाती है फीमेल एक्सिस। ये दोनों एक्सिस का सेंटर होता है ब्रह्म स्थान, वो होता है सेंटर एरिया। ऐसे ही सेंटर एरिया हमारा ये होता है नाभि, ये हमारा राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट एक्सिस है, ये फीमेल है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, ये हमारा मेल है। जब ये दोनों का एक उद्देश्य जाता है, एक काम जाता है, तो सेंटर नाभि पे जाकर अटैक करता है। ऐसे घर का ब्रह्म स्थान, घर का ब्रह्म सेंट्रल एरिया, लॉबी टाइप कह लो। अगर घर में सेंट्रल एरिया है ही नहीं और दीवार लगी हुई है तो वैसे ही नाश होगा। इसीलिए होटल्स वगैरह बहुत प्रॉस्पर करते हैं, गेस्ट हाउस प्रॉस्पर, क्योंकि उनका लॉबी एरिया बहुत बड़ा होता है, नाभि को खुला स्थान देते हैं। तो आपके आपके घर उस घर के अंदर लॉबी एरिया के अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, मेल फीमेल एक्सिस खराब हो गई। आप खुद कहेंगे यार चीजें फैलाई रहती हैं, कुछ खचरा पड़ा रहता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी खराब हो गई है। दोनों ने एक दूसरे से चिट्ठियां सुन सुन के घर की एनर्जी खराब। घर का वास्तु का देवता है, स्थान का देवता क्षेत्र का होता है, क्षेत्रपाल देवता होता है, बड़े सारे होते हैं। वो सुनते हैं क्या हो रहा है, अच्छा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे बदबू है, स्मेल है, आप सड़े हुए आलू फेंक दें कहीं बदबू आनी शुरू हो जाएगी, आप कागज जला के फेंक दें विषैला धुआं आना शुरू हो जाएगा। दो लोग रोते पिटते सिर्फ चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ है, हस्बैंड ने बेल लेने चिट्ठी बांटी है उसको। अब 4 दिन के बाद वाइफ खुद उसे पुरदना शुरू कर देती है, सुनो ना सुनो, अरे सुनते नहीं हो तुम, अच्छा बोलो तो सही, बताओ तो हुआ क्या। फिर वो कहता है देख आज मैं मुंह तो, अब तो दिन तो ठीक है लेकिन मुंह सड़ा के रखूंगा, तो अदरक वाली चाय बना के रखती है, लड़ती नहीं है, मैं तो घर में ऐसे घुसूंगा, रोज की यही शक्ल होगी। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप उसी रवैये पे चल रहे हैं और दसियों साल में जीवन वैसा ही चलता चला जाता, कुछ नया नहीं होता। अगर आप बीमार हैं तो आपके अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, आप वही सोच के चल रहे हैं कि बीमार तो पड़ते हैं यार, मौसम है ना भाई, सर्दियां हैं इसमें बीमार पड़ जाते हैं यार, आप पड़ जाओगे। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, दिल्ली में कितनी पॉल्यूशन है, हाय फेफड़ों की बीमारी तो होनी है, देखना आपको अचानक फेफड़ों की बीमारी वाले लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने दफा नहीं किया ना उनको, क्या छोड़ ना कौन चिट्ठियां सुने, तो थोड़े दिनों में आप भी कहोगे भाई दिल्ली अटक गया था गले में, नहीं तो खांस खांस के बाहर आ जाता। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ नया करके राजी नहीं हो, बदलने को राजी नहीं हो। जीवन में बदलना बहुत जरूरी है। कृष्ण के सारे पासवर्ड सेफ थे, उसने किसी को चिट्ठी टू चिट्ठी नहीं पहुंचाई। आप ये काम जब तक नहीं छोड़ोगे, रोज का सड़ा हुआ चेहरा लेकर नहीं रोना पिटना खत्म करोगे, वही प्रोग्राम चलता रहेगा। आप सारे टाइम यही कहते हो ये अब तो बच्चे रिवोल्ट करते हैं हमसे, बच्चे आजकल सुनते नहीं है, वो नया प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको चलाने दो यार, उनको सिर्फ प्यार करो, उनके अंदर प्यार का प्रोग्राम ऑन रखो। इतना गजब का प्यार का प्रोग्राम ऑन रहेगा कि प्रेम के कारण से बने रहेंगे। किसी हालत में प्यार का प्रोग्राम डाउन होने ही मत दो। आपके जीवन में जब भी कोई आप चिज्जी बनाते हैं, एक चिज्जी बनती है कि यार अपना हमें गाड़ी बनानी है। आम आदमी क्या सोचता है, जो आम बात हुई कहा यार हम तो सेकंड हैंड ही ले पाएंगे भाई, फर्स्ट हैंड पैसे का है यार। आपके अंदर वो प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया कि फर्स्ट हैंड गाड़ी कभी नहीं लानी, क्योंकि आप पोस्टमैन से आगे बढ़े नहीं, आप उस नए प्रोग्राम पे जा ही नहीं रहे। एक होता है कोई अमीर का बच्चा अमीरी बन जाता है मुफ्त में, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है शुरू से ही BMW लेंगे, उसे कोई लेना देना नहीं कहां से आएगी नहीं आएगी, उसकी आ जाती देर समय भले अकल ना हो। वो कहता है यार मर्सिडीज लेंगे, उसकी आ जाती है पता नहीं कहां से, छोटा गरीब होता है जब वो कमांड ही नहीं देना चाहता, वो सारे टाइम यही रोता रहता कहा यार हम तो 2 जून की रोटी खा ले भाई, वही बहुत है बतेरा काम है। अंदर वही प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है, जीवन वैसा ही होना शुरू हो जाता है।
आपके जीवन में पतझड़ आ गए, घबराते क्यों यार, सुधरेगा भी। आपका बच्चा अगर सिगरेट पीता आपने पकड़ लिया तो उसको दो लगाओ और बोलो गधे स्टाइल से पी। ये कोई तमीजी तेरे पीने की, सारे चुंगम खा के आया कर घर में, बदबू आती तेरे मुंह से, वो नहीं बर्दाश्त मुझे, और खबरदार अगली बार पकड़ा गया तो। बच्चे को प्रेम मिलेगा, वो छुप के नहीं पिएगा, उल्टा सम्मान करेगा और कहेगा कोई नहीं दफा करो यार, इनकी आत्मा नहीं दुखानी, मुझे इनका प्यार वाला जो प्रोग्राम है बड़ा अच्छा लगता है यार, क्योंकि वो पी चुका है। आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपने इसको कैसी संगत में डाल दिया, ऐसे हालात क्यों बने, उसको ठीक करो। कभी भी जीवन में कोई कर्म खराब नहीं होता, क्योंकि कर्म करने के पीछे कारण है सोच का। आप कर्म के नाम पे लड़ना शुरू करते हो, पीटना शुरू, सोच बदलो तब कर्म बदलता है। तूने ये क्यों कर दिया, तूने वैसा क्यों कर दिया, करने दो, उस समय तो मत लड़ो। अब पता करो सी खोपड़ी में क्या चल रहा है। घर में कई बार बच्चा कहता है कि मेरे को कार चाहिए, जबरदस्ती करता है, जिद करता है, बच्चे तो पोस्टमैन है ना सारे आसपास, वो कहता है चुप, पैसे नहीं हमारे पास, तो गाड़ी कहां से लेगा। जो जिद कर लेता है कहीं ना कहीं अरेंज करवा देता है। अगर उसकी घर की चॉइस पूरी ना हो तो बच्चे घर वाले भी डरते हैं कि कहीं ना कुछ कर दे। ये डर ही तो है, पोस्टमैन बनने को हम मजबूर इसलिए क्योंकि डरे हुए हैं। और डरे क्यों हुए, क्योंकि हम सब एक को ये सिखाया गया है, तुम सब इंसान हो, इंसान की लाइफ में कष्ट आता है। ना 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 ना, हमें चोला मिला है इंसान का, इस पूरे प्लेनेट के राजा है हम, साला पूरी धरती पे कब्जा करके बैठ रहे हैं, धरती को नोच चूस के सब निकाल रहे हैं, एक एक जानवर के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है, आज ये रोना पिटना हो रहा है, बड़ी पॉल्यूशन है, नकली बारिश करने के हमारे पास टेक्निक है, ये कमी हो जाएगी सब करेंगे, धरती पे अति हो जाएगी, वो दो चार ठुमके मारेगी, अर्थक्वेक दे देगी, दो चार सुनामी, मार मुर के खत्म करके दफा फालतू के बंदे, फिर जीवन चलेगा। जीवन को इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज थोड़ी है, ये इथर है, ये प्रभु है, ये ब्रह्म है। आप सोच के ही गलत बैठे हो, गलत तो होएगा ही। आप सोच के ही बैठे हो कि कृष्ण है, भगवान है, लेकिन रुक्मणी प्लस राधा, ना ना ना, हमसे ना हो सकेगा। आपका होगा ही नहीं, आपको कहे पॉसिबल, हम तो कृष्ण भक्त हैं, आपको राधा प्लस मिलेगी। वो कहते हैं ना, मैं बनू तेरी राधा, कौन सा था, हाँ, आधे से ज्यादा और पता नहीं कौन सी राधा। ऐसे पोस्टमैन कर सकते हैं जो हमें इवॉल्व करें। हाँ हाँ, ऐसे पोस्टमैन को गुरु बोलते हैं, जिसको आप कुछ भी बोलोगे और कभी भी छोड़ भी सकते हो। वही एक होता है व्यक्ति को गुरु समान समझो, जिससे खूब रिश्ता बनाया छोड़ भी सकते हैं, जिससे छोड़ नहीं सकते हैं वो दुश्मन है, वो लत है, वो पोस्टमैन है और बना भी देगा। एक बार एक लड़की का विवाह होने वाला था, अब विवाह के लिए वो बड़ी उत्सुक, और उसने कहा अपने प्रेमी से विवाह होना है, और कल तो शादी के बाद मैं उसके साथ गपशप मारूंगी, बातचीत करूंगी, बैठ के चाय कॉफी पियेंगे, कितना आनंद होगा जीवन में। तो उसने कहा अच्छा छोटा सा यार शॉपिंग वॉपिंग लेनी है, एक अपनी सहेली को बोलने जाना है, तो छोटा सा रास्ता है बीच में, जंगल टाइप एरिया था, बोले यहाँ से निकल के जाती हूँ, और सपने लेती हुई जा रही है कि मैंने टेलर के पास जाना है, टेलर को कपड़े देने थे कल के लिए, लहंगा था एक वो लेना था, मासी जी को बताना है, एक को बोला लड्डू लेकर आएगा, और फिर अपनी सहेली से मिल के प्रेमी की बातें करनी है, हाँ कितना मजा आएगा, ऐसे ऐसे सपनों में चल रही है। अब वो डेकोरेशन वाले का सोच रही है, फिर सपने आ रहे हैं कि अंत में प्रेमी साथ होगा, और पता ही नहीं चला कहां से अचानक एक शेर उसके सामने आ गया, और कुछ नहीं पता, साइलेंट, वो भी साइलेंट, शेर भी साइलेंट। शेर को जब उसने देखा, उसका ये तंद्रा टूटी, ये सपने टूटे, और देखा तो वो इमीजिएटली, सबसे पहले तो टेलर निकल गया बाहर दिमाग से, उसके इमीजिएट बाद उसकी सहेली निकली, डेकोरेशन वाला निकला, लड्डू वाला मासी निकली, और अंत में प्रेमी भी निकल गया। और उसने कहा ये क्या हुआ, शेर, और इमीजिएटली उसके अंदर भय भरना शुरू हो गया। सबसे पहले जो भरता है वो मूलाधार चक्र से भय शुरू होता है, उसके पश्चात अहंकार शुरू होता है, फिर भाड़ में जाय शुरू होता है, फिर चलो कोई बात नहीं होता है, फिर चलो कभी ऐसे भी सही होता है, फिर झाफल ड्रेन होता है, फिर उड्र उड्र होता है। सबसे पहले भय आना शुरू हो गया, भय से भरने के बाद उसके तोते हो गए, और वो अंदर से शून्य हो गई, शून्य, फॉर्मलेस। ये फॉर्मलेस एक अवस्था है जिसके बाद कुछ हो सकता है। आपके दिमाग में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो जैसे ही आप अभी में आते हैं ना, अभी इमीडिएटली शून्य क्रिएट हो जाता है और आप फॉर्मलेस हो जाते हैं। फॉर्मलेस मींस शिव को क्यों कहा जाता है, संसार को सब देने वाले शिव फॉर्मलेस है। शिव का लिंग का फॉर्म नहीं है, स्वरूप नहीं है, कृष्ण का स्वरूप है बंसरी है, राम का स्वरूप है भाई धनुष बाण है, सीता का स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है धन देती है,
फॉर्मलेस। जब आप खाली शून्य में होते हैं, अंदर महाशून्य में, तो आपके अंदर का जो भगवान है, जो शून्य खाली बैठा है, वहां से जो कमांड बनाओगे वो हो जाएगी। आप सोच बैठोगे जैसा, जिस प्रकार वैसा हो जाएगा। पर आप सोच बैठोगे कैसा वाला, जैसा वाला आपके आसपास के पोस्टमैन ने आपको बना रखा है। आप वही वाली पोस्ट चलाते रहोगे और आप कहोगे गंदी बात या अच्छी बात। एक तो गंदी बात, अच्छी बात को सबसे पहले गोली मारो। जब तक ये खत्म नहीं करोगे जीवन से कुछ नहीं होगा। दूसरा, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, भगवान सजा देगा। भगवान को कोई लेना देना नहीं है, आप क्या कर रहे हो। आपके अंदर जो बैठा है भगवान का ताकत, हम भगवान में विश्वास करते हैं, ये बेकार की बात है। हम विश्वास कर सकते हैं, यही भगवान की ताकत है। मरा हुआ आदमी विश्वास नहीं कर सकता, मरा आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ करने की ताकत है, वो भगवान के उस अंश की वजह से है, ब्रह्म की वजह से है, जो हमारे अंदर बैठा है। आपके अंदर बैठे भगवान में जैसे ही फॉर्मलेस होता है, उस समय जो फॉर्म बना देते हो वो चिज्जी बन जाती है। वो चिज्जी आप लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर खाली माइंड के अंदर अगर आपने लगा लिया, साला टाइम ही बुरा है यार, वो बंदा ही बहुत बुरा है यार, फिर आगे चले गए कहीं और भाई सब क्या हालचाल है, और यार बस टाइम ही बड़ा बुरा है यार, वो एक बंदा मिल गया बहुत ही बुरा है, अच्छा चले फिर तीसरे से मिले, चौथे शाम होते होते आपने मंत्र जाप कर लिया, टाइम ही बड़ा बुरा चल रहा है यार, यार वो बंदा ही बहुत बुरा है यार, फॉर्मलेस भर गया, टाइम ही बहुत बुरा है यार, वो बंदा ही बहुत बुरा है। अब वो बंदा आपके साथ बुरा ही होगा यार, ढेला नहीं आ रहा जमीन यार, कंगाल जिंदगी, कबाड़ा हो गया यार, माँ बाप ने ऐसे पढ़ा दिया यार, बीवी ही बुरी मिली, पति खराब, ये आपने फॉर्मलेस में भरना शुरू कर दिया है। और सारा दिन पोस्टमैन की तरह यही गाना गाते रहते हैं, यही भजन चल रहा है आपका, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। कोई आपको आके बोल क्या दे, भाई साहब आप तो भजन बढ़ रहा है आपका, आपका भजन बढ़ना शुरू हो जाता है, साला बढ़ रहा है, बढ़ता रहे, भाड़ में जाए। जैसे कोई बोले आपके बारे में, आपको कोई ऐसी बात जिससे आप हतोत्साहित हो, आपका मन गिरे, सीधा बोलो मुझे बड़ा स्वाद आता है यार। सबसे पहला शुरुआती भाड़ में जैसे करो, दफा करो। हम क्रिब करते हैं सारे टाइम, रोते रहते हैं यार, ये हो गया बुरा हो गया यार, बुरा तो नहीं हो जाएगा यार, बुरा नहीं होना चाहिए, हे भगवान बुरा हो गया तो। सारे टाइम आप इसी क्लेश में उस एम्प्टी स्पेस को, फॉर्मलेस शून्य स्थान को भरते चले जा रहे हो। आप शक करते रहते हो, वहम करते रहते हो, टेंशन लेते रहते हो, भगवान सजा देगा कहते रहते हो, एंजॉय करो ना यार। आपने देखा होगा किसी भी चीज को खाओ, उसमें मसाला डालते हैं, उसमें भी साला होता है। इसलिए साला एंजॉय करो ना यार, आपको एंजॉय करने को किसने रोका है? आप एंजॉय क्यों नहीं करते हो? सीधी बात बताओ, करते क्यों नहीं एंजॉय यार? कितना सिंपल है, उल्टा बच्चे एंजॉय कर रहे होते, कहते हैं बहुत मस्ती मार रहा है, साले जलते हो तुम, तुमसे होता नहीं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर के प्रोग्राम पोस्टमैन की तरह ही आपको चलाना आता है, ना इसके आगे आप कुछ सोचते हो, ना इसके पीछे कुछ सोचते हो। आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हो, आपको पूरा का पूरा अपना जीवन बदल डालना है। आपके माइंड के अंदर भगवान ने तीन स्पेसेस बना रखे हैं जो शरीर को दे रखे हैं। ये हमारा पिछला हिस्सा हो गया, ये हमारी खोपड़ी, और ये आगे का ढक्कन, और ये हमारी कान, ये हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है। रेप्टिलियन ब्रेन सबसे पिछला ब्रेन होता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए शरीर निरंतर काम करता है। ये हमारा खून बनाता है, टिश्यू, मज्जा, खान पान पचाता है, नींद देता है, सोता है, सेक्स पावर देता है, बच्चे पैदा कराता है, हमारे जीवन में चीजें बनवाता है, हमें रास्ता देता है रहने के लिए, चाहे हम सुरंग में रहें चाहे घर में रहें, सब कुछ इसके पल्ले। उसके बाद हमारा इमोशनल ब्रेन है, सारे पाप पुण्य यहाँ क्रिएट होते हैं, अच्छी बात गंदी बात का थैला यहाँ होता है, यहाँ इतना बड़ा सेक्शन होता है, इतना बड़ा, बुरी बात गंदी बात ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, ये बुरे होता है, मांस नहीं खाओ, शराब नहीं पियो, ये मत करो, पुण्य करो, झूठ ना बोलो, यहाँ होता है बस यार मजे करने इतने से, जरा सा होता है 10-20-5 पैसे। और यहां होता है ज्ञान, ब्रह्म, इंटेलिजेंस, क्योंकि आगे का ये खोपड़े का हिस्सा, नाक के साथ हमारा सिर है, ये किसी भी जानवर का नहीं है मंकी के अलावा, इसलिए मंकी हमारी सबसे बढ़िया कॉपी कर, मंकी भी पूरा सीधा नहीं है, मंकी भी थोड़ा सा ऐसे है, इसलिए वो जानवर रह गया, हम पूरे सीधे हो गए, उल्टा हम पीछे चले जाते हैं, जानवर नहीं जा पाता, गाय नहीं ऐसे कर सकती पीछे, घोड़ा नहीं कर सकता, गधा नहीं कर सकता, उल्लू की गर्दन घुमाने की बात नहीं हो रही, कमर की बात हो रही जहां रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये वाला जो रेप्टिलियन ब्रेन है ये हमारे कब्जे में है, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं, बाकी जानवर नंगे घूमते हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्स का सीजन नहीं है, बाकी जानवरों का सेक्स का सीजन आता है,
अन्यथा वो कर नहीं सकते। अलग अलग जीव है, अलग अलग रचना है, इसीलिए अलग अलग कॉन्शियसनेस है। जब आपके जीवन के अंदर क्लेश होता है, स्ट्रेस, तो टेंशन में, तनाव में आपकी खोपड़ी सारे टाइम बल्ब फ्यूज होने लगते हैं। कहते हैं ना, तनाव में कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं सूझ रहा, इसको सूझता है। यहां पर हमारी थर्ड आई है। थर्ड आई से क्या करते हैं हम, क्योंकि ये थर्ड आई हमारे पास है, इसीलिए हमने कंप्यूटर बनाया है, इसीलिए हमने मोबाइल बनाया है। हमने इसे सोचा, यार यहां से निकालू जिंक, यहां से निकालू मैग्नीशियम, यहां से निकालू पेट्रोकेमिकल, यार इससे ये बना दू। हमारी एम्प्टी स्पेस में चिज्जी बनाने के लिए इतना बड़ा एम्प्टी स्पेस का एरिया है। जानवर के पास इतना सा होता है, क्रोकोडाइल के पास दिमाग कितना बड़ा है, मगरमच्छ उसका दिमाग अखरोट चलना बड़ा है, इसलिए उसको कोई नहीं पता, वो पूरे जानवर को निगल जाता है, हड्डी वड्डी सब समेत। हम अलग अलग करते हैं क्योंकि हमारे पास शून्य का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा खोपड़ा है हमारा, उसका अखरोट जितना है इतना सा। इसलिए हम बुद्धिमान प्राणी, बुद्धि। आपको जब स्ट्रेस होती है तो रेप्टिलियन ब्रेन तक ब्लड सप्लाई देने का काम है दिमाग को। कुछ भी हो जाए, आप तनाव में है, तनाव में है, परेशानी में, क्लेश में, आपकी बॉडी चलती रहती है। आपने अति मचा मचा के रोज प्रोग्राम कर करके, रोज कमांड दे दे के अंदर का कार्यक्रम बना दिया है कि हम तो इंसान है, हम तो बीमार पड़ते हैं, हम तो बुढ़े हैं, हम तो बर्बाद होते हैं, हम तो गरीब है। आपका ये ब्रेन मिनिमल ताकत पे काम करता रहता है। आप देखेंगे कोमा में पड़ा है कोई व्यक्ति, बेहोश पड़ा है तो भी शरीर चल रहा है, उसका शरीर नहीं चल रहा है लेकिन शरीर चल रहा है, मीन्स अंदर फंक्शन चले हुए। इसको ब्लड सप्लाई देता रहता है बॉडी, हार्ट कहता है इसको सप्लाई दो। जिस व्यक्ति का शरीर चलता फिरता भागता दौड़ता है, वो जितने भी क्राइम करता है, रेप करता है, मर्डर करता है, डकैतीज करता है, चोरी चकारी, वो पागलपन में करता है। उसको भला बुरा, सही गलत, प्यार अत्याचार कुछ नहीं समझ आता। इमोशनल ब्रेन तक जिसका ब्लड सप्लाई होती है, वो किसी को गोली मारने से पहले सोचता है, यार इसके भी मां बाप होंगे, यार इसका भी कोई सगा होगा, यार इसको चोट लगेगी, दर्द होगी, उसमें दर्द है, उसे तकलीफ का पता है। जो इस ब्रेन में होता है वो कहता है गोली क्या मारनी, ये तो बेवकूफी है, ये ना लेना ना देना, ये अपने लेन देन के लिए आया, मैं अपने लेन देन के लिए आया हूं, कहां शत्रुता बढ़ाए चले जा रहा हूं मैं, ना कोई लेन है ना देन है। यहां के ब्रेन तक का जो व्यक्ति होता है वो करना चाहता है, जो यहां तक का होता है उसे पता ही नहीं चल रहा उससे कौन करवा रहा है, इसलिए वो मुन्ना के इन्फ्लुएंस में होता है, वो पागलपन करता है। जब आप यहां बैठे होते हैं, आपको कोई शरीर में दर्द है, दर्द ठीक नहीं होती, आपके जीवन में तकलीफ हो, जीवन की तकलीफ ठीक नहीं होती, यहां रहना है आपको, स्ट्रेस में रहना पड़ेगा, चिंता में, एंग्जाइटी में आपको यहां रहना है, तो ये आपकी लाइफ में होगा ही नहीं। और जितना आप पोस्टमैन बनेंगे उतनी चिट्ठियां आपके पास होंगी, शून्य डेड हो जाएगा। आप पोस्टमैन नहीं बनेंगे तो आपका ब्लड का सप्लाई यहां तक आता रहेगा, आपका ब्लड का सप्लाई यहां तक आता रहेगा, आप नया थॉट डाल सकते हैं, आप नया थॉट डाल सकते हैं, एपिजेनेटिक्स हो जाएगा। एक छोटे बच्चे को जन्म के पश्चात यदि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बड़ा स्वस्थ प्रेम मिलता है, भोजन मिलता है, वो बच्चा हेल्दी होता है और स्ट्रेस फ्री होता है, उसकी नींद अच्छी होती है आगे की उम्र तक, उसकी बूढ़े होने तक उम्र नींद अच्छी होती है, क्योंकि उसने एपी मींस बाहर से, जब उसके जीन्स ने सराउंडिंग से, संसार से, जीवन से तालमेल बनाना शुरू किया, उसको जीवन कंफर्टेबल मिला, बढ़िया मिला, ठीक मिला, और उसने परवाह मारनी बंद की। वो सीधा कहता था भाड़ में जाए, मुझे किसी की नहीं सुननी, अपने हिसाब से चलना है, बेवकूफी करी, मूर्खता करी, ठोकर खाई, सीख गया। जो आतंकवादी भी बना वो भी किसी की पोस्टमैन के पल्ले पड़ा है, दूसरे की खोपड़ी से चल रहा है वो, नहीं तो आतंकवाद करने, टेरर करने के, मर्डर करने के बाद भी अकल आती लोगों को, कहते हैं अब हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, बेवकूफी हो गई। आपको बाद में समझ आता है क्योंकि आपने स्ट्रेस में सारा तो खोपड़ा खराब कर दिया, इसलिए दिमाग में क्लेश, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम खत्म है। जिन बच्चों को प्रेम नहीं मिलता बचपन से ही, उनकी नींद भी खराब होती है, फिजिकल मेंटल इमोशनल लाइफ भी खराब होती है। चार लोग हैं, एक दो तीन चार, ये बॉस है, ये पीएन है, ये कभी कुछ खोपड़ी नहीं लगाता अपना, मूर्खता है, इधर की उधर लगा दी, उधर की इधर लगा दी, जिसकी बात कभी किसी को सुना दी, किसी को कहीं बात पहुंचा दी, इसी में लगा रहता है। ऑटोमेटिकली ये बहुत खाना खाएगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद भी पूर्ण स्वस्थ शरीर हो ना हो गारंटी नहीं। ये व्यक्ति बॉस है, ये डिसीजन लेता है क्या करना है, क्या बताना, क्या नहीं बताना, किस तरह सोचना है। ये हमेशा कम खाना खाएगा और हेल्दी बॉडी रहेगी, और माइंड भी हेल्दी और एंजॉय भी लाइफ करेगा। प्रकृति ऑटोमेटिकली ऐसे व्यक्ति को बॉस बना देती है, इससे कम वाला सबॉर्डिनेट, इससे कम वाला उसका भी सबॉर्डिनेट,
आपने अपने जीन्स को जीवन जीते जीते जो परिस्थितियां देनी शुरू हुई उस हिसाब से आपका जीवन बदलता है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारे जीवन को कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है, नसीब चला रहा है, हम चला रहे हैं, आसपास की परिस्थितियां चला रही हैं, मामा जी चला रहे हैं। हमारे जीवन को कौन चला रहा है? हमारे जीवन को अगर भाग्य चला रहा है तो फिक्स कर्म वाला है, जो प्रारब्ध का था 12% ओनली। उसके अंदर परिवर्तन हम ला सकते हैं। कैसे? भगवान की कृपा से। भगवान का है, भगवान है वो शून्य स्थान, महाशून्य जो अंदर बैठा है। उस शून्य में हमने क्या भर रखा? क्रोध, जलेसी, गुस्सा, तनाव, शिक्षा देना, गंदी बात, अच्छी बात। पोस्टमैन यहां रहता है, पोस्टमैन यहां रहता है, इसको यही लेना देना है, इसकी खबर उसे दे दे, उसकी खबर इसे। और यहां कौन रहता है? यहां रहता है मौन, चुप। जो चुप रहता है, मौन में रहता है, उसका ये फ्रंट ब्रेन ऑन रहता है। आपके जीवन में आपको एक रास्ता सोचना है, यार पेमेंट फंसी हुई है, यार काम नहीं हो रहा, बिजनेस ठीक नहीं है, शरीर पतला नहीं हो रहा, बीमारी ठीक नहीं हो रही, पतले हैं तो मोटापा नहीं आ रहा, मकान बनाना मकान नहीं बन रहा, टेंडर पास नहीं हो रहा, बीमारी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अब बैठे आप सोचो आपको कैसे पता लगेगा इसका रास्ता, आपको इसका आंसर कहां से मिलेगा? आपको यहीं से एक आंसर आएगा अपने आप। एक दिन बैठे बैठे अचानक आप बाहर दुनिया से कटे होंगे, आप अंदर चले जाएंगे, ये अंदर चले गए, ये प्रॉब्लम है यार, क्या करें? ओह यार ऐसा करते हैं। आपको अचानक एक रास्ता सूझेगा, वो रास्ता किसने सुझाया अभी आपको? आप सोचो, ये चमत्कार की बात होती है, रोज होता है हमारे साथ। अचानक कोई नई चीज सोचते हैं, अचानक रास्ता मिलता है, अचानक विचार आता है। कौन देता है? आपके पास थॉट्स कहां से आते हैं? अभी तो थे नहीं, एक सेकंड में कहीं से थॉट आ गया। भगवान, कॉस्मोस, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, भाग्य, मुन्ना, सब लगे हुए हैं। ये ढक्कन खाली रखो, ट्रांसमीटर है, तो यहां से आंसर देंगे, यहीं से आएगा। हम इस पे ब्लड सप्लाई देते नहीं, हम पीछे रोने पिटने में लगे रहते हैं, इसलिए हमारा जीवन गुड़जुड़ मुरजू हो जाता है। समझ नहीं आ रहा यार, रास्ता नहीं निकल रहा, कैसे करें? कैसे करें के लिए पोस्टमैन की नौकरी करो बंद और मौन में चले जाओ। सारा दिन पिटते रहते हैं हम, साला पेमेंट खा गया यार, साला बिजनेस नहीं चल रहा यार, मेरे पास टेंडर पास नहीं हुआ, मेरे यार बच्चे नहीं सुनते, कितना भजन चल रहा है, शक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, पैसे का रोना पिटना हो रहा है, हर समय कोस रहे हैं, एक ही भजन चल रहा है, वो काम कभी होगा नहीं, क्योंकि यहां के स्थान पे आप पहुंचे नहीं। ईश्वर यहां से कनेक्ट करता है। आपके जो जीन्स थे, आप जैसे पैदा हुए, आप खाया पिया सोए रहे, बच्चे पैदा किए और मर गए रेप्टाइल की तरह, यहां से होता है वो काम। रेप्टाइल को कोई लेना देना नहीं। आप एक सांप को देखेंगे, आप एक बिच्छू को देखेंगे, आप एक छिपकली को देखेंगे, ये खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सेक्स करते हैं, आगे बच्चे पैदा और मर गए। कई मनुष्य ऐसे ही हैं जो 85 साल जीवन का ये करते हैं, बुढ़ापे में जाके रोते हैं, यार इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। और वो फिर ये भी कहते हैं, यार इसके अलावा करना क्या होता है, इसके अलावा और भी कुछ होता भी है यार? इसके अलावा पार्टी होती है, एंजॉय होता है, मस्ती होती है, डांस होता है, मजाक होता है, ज्ञान होता है, प्रसन्नता होती है, हेल्थ होती है। हम कोसते, लड़ते, पिटते, रोने, गंदी गंदी शक्लें बना के उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पूछ कर नहीं आती, हम अंदर से कमांड देते हैं इसलिए आती हैं, घुटने ऐसे नहीं बोल जाते, हम अंदर से कमांड देते हैं इसलिए होता है। हम ही कहते हैं जीवन कितना मुश्किल हो गया है, कमर में दर्द शुरू हो जाती है। यह हमारे अंदर का जो शून्य स्थान है, यहां से हमने कमांड दी, ये बत्ती बंद है, रास्ता नहीं सूझता। जिसकी बत्ती खुली है उसके पास सारे जवाब होते हैं, उसके पास सारे रास्ते होते हैं, उसके पास सब अरेंज होता है। आप इसको भर देते हो, इससे आगे जाते हैं। पोस्टमैन क्या करता है? सारा दिन बकवास चलती रहती। हम अपने जीवन में 99% टाइम फालतू की बातें करते रहते हैं, और जो 1% होता है वो भी फालतू की होती है। क्यों करते रहते हैं? क्यों करते हैं सवाल है पूछने का अपने आप से, पता नहीं क्यों करते, पता नहीं इसकी बात उसे बता रहे हैं, उसकी से साला एंजॉय करो यार, पार्टी करो, मस्ती करो, स्वर्ग ढूंढ रहे ऊपर, अब यहां भी यहीं अभी लो ना, यहीं करो ना अभी। सर कैसे करें एंजॉय? ऐसे करके दिखाओ, करो, अरे करो ना, अब मैं कितना करूं, ये तो कोई बात नहीं, अकेले अकेले एंजॉय करना पड़ता है। आपको एंजॉय मोड सारे टाइम रहना चाहिए।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं सिर्फ ऐश के लिए हूं, मेरा एक महापापा है, वो देगा ना रास्ते, ईश्वर रास्ते निकालेगा। जब ऐसी स्थिति में मनुष्य आता है सिर्फ बताता है, समझाना बंद कर देता है। बताना मीन्स बोल दिया, छोड़ दिया और अपना मस्त रहे। हम पीट पीट के समझाने में लगे रहते हैं, रिश्ता खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है, झगड़े बन जाते हैं, फिर मजबूरी में जीते रहते हैं रुक्मणी के साथ। कृष्ण जी नहीं, कृष्ण जी तो नहीं रहते हो, तो राधा ढूंढ लेते हैं, ढूंढ तो बाकी भी सारे रहते हैं, एक्चुअली बता नहीं पाते, मीटू का लफड़ा है। डर बहुत तगड़ा है ना, गुर्दा चाहिए, जान चाहिए। मैं मुझे खुद मेरे परिवार में मेरे कुछ सिस्टर वगैरह है, उन्होंने बोला इतनी फालतू बातें करता रहता है, क्या सीखेगा बेटा तेरा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, प्यार करेगा तेरे से, इसी उल्टी सुलटी बातें। तो मैंने कहा यार है तो बड़ा लफड़ा यार, पर मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मुझे प्यार करेगा नहीं करेगा, ये उसकी मर्जी है। साला ये स्यापा भी मैं करूं कि वो मुझे करेगा नहीं करेगा, मैं ये कर सकता हूं कि मैं तो प्यार करूंगा यार, तूने करना है नहीं करना है मैं क्या जानू। बोले फिर वो प्यार नहीं मिला तो? देखो जी सीधी सी बात है, अगर मैं इस लायक होऊंगा ना तो जान होगी मुझ में, वो साला प्यार करने को मजबूर होगा, उसे करना ही पड़ेगा, यानी होमवर्क खुद पे करना है मुझे, उस पर नहीं करना है कि तू मुझे प्यार कर, खुद इस लायक बनना है कि वो मजबूर हो जाए, पागल हो जाए और प्यार करे ही करे। वो कैसे होगा? मैं हर समय इस ब्रेन को ऑन रखूं, ये ब्रेन एम्प्टी स्पेस, रास्ता ऊपर वाला दिखाता है। ऊपर वाला रास्ता कब दिखाता है? जब हम एक शब्द बोलते हैं, एक हाँ ईश्वर, जो मेरे साथ हो रहा है, जो तू कर रहा है, अब मैं यहां से बोलना बंद, लड़ना झगड़ना बंद, रिजेंटमेंट बंद, रोना पिटना बंद करता हूं, ठीक है एक्सेप्टेड। कारण प्रारब्ध होगा, पूर्व जन्म होगा, लेन देन होगा, गलती होगी, मेरी गलत कमांड्स होंगी, आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिनिश। आपको ऊपर से रास्ता आता है, अपने आप आंसर आता ही नहीं, और आपके जीन्स बदल जाते हैं। आपके अंदर जो परिवर्तन आया है वो सराउंडिंग्स की वजह से आया है। तो आपका जीवन कौन बना रहा है? आपकी परिस्थितियां। दो जुड़वा भाई होते हैं, उनकी परिस्थितियां उनको अलग अलग नेचर देती है। अदरवाइज कायदे से जेनेटिकली वो दोनों कॉमन है, एक को हो सकता है शुगर हो जाए, एक को बिल्कुल नहीं हो। आप अंदर से क्या कर रहे हैं? आप शरीर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मन को मन में ले जा रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सारे टाइम इसी में ऑन रखोगे, थर्ड आई सारा कुछ करके देगी। आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी समस्या के टाइम आप क्या करते हैं? आपको मौन में जाना ही पड़ता है, आप कुर्सी पे जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं और इसे कहते हैं मनन करते हैं, यहां करते हैं टप, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फिर बहुत ज्यादा होता तो कई लोग तो ये भी करते हैं, तू बता थर्ड आई कुछ कर, हार्ट कहता है यहां टैप करो, इसको टैप करो, ये हार्ट का संकेत है, किसी चीज हाथ से टच होके यहां जाती है। यार सूझ नहीं क्या था यार उसका जवाब, ओ तेरे की, ये मैंने पे धक तेरे की, अब आया ये निकला, पीछे से धक्का मार के बाहर आया आगे। पर कब आया? जब ब्लड सप्लाई पूरी होगी। वो कब होगी? जब आप मजे में हैं, आप तो गुस्से में हैं, आप तो क्लेश में हैं, आप तो रो रहे हैं, पिट रहे हैं, टैटे कर रहे हैं, तो मजे में मजा कहता है जगह नहीं बची, आए आए आए, मजे को जगह दो यार, कोई मजे को तो साइड में धक्का दे दिया आपने, वो ऐसे दुबका बैठा रहता है, मले वाले कब आएगी। अरे उसको ज्यादा जगह दो, वो सबको पछाड़ देगा, बड़े से बड़े दुख को पछाड़ देगा। आपके जीवन में कुछ खराबी हो तो आप प्रसन्नता मनाओ, अच्छा हो माँ टपक गई, अच्छा हो पिता चले गए चैन से गए, इससे भी गंदी मौत होती, कोई परेशानी होती, अच्छा ही हुआ, जो हुआ साला अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो हुआ उससे बुरा भी हो सकता था। इतनी ही कमांड देनी आती थी आपके पापा मम्मी को, शुक्र है अगर इससे भी ज्यादा खुद को बीमार डाल देते तो पागल हो जाते। हम अक्सर कहते हैं कौन शिक्षा दे माता पिता को, पहले खुद को दो, आप उनसे हायर चक्र पे अपने आप को प्लेसमेंट रखो, दूसरा अपने आप आपके साथ बात सुनेगा। एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पति अपनी पत्नी को क्लेश करता है, बहस करता है या जो भी होता है, अब वो क्लेश हो रहा है, अब वो थोड़ी देर में क्या होता है, पत्नी को भी नीचे उतार लाता है, इधर आ जा तो बहुत फंसा रही है, इधर लड़ मेरे से, अब दोनों एक तल पे हैं, प्रेम कभी स्थापित ही नहीं होगा, और दोनों में से कोई किसी की नहीं सुनेगा। ये बहुत जरूरी है कि दोनों अलग तल पे रहें, तब कोई एक दूसरे की सुनेगा। पर वो बड़ी शैतान होती है पत्नी, पहले खींच के ले आती है अपने तल पे, पति भी बड़ा बेवकूफ होता है, वो आ ही जाता है, कहता हमें आ गया ले और बोल और कितना प्यार करो, कभी नहीं आओ।
मौन में चले जाओ। पत्नियों के पास विशेष ताकत होती है, जय चिमटा डाल रही तुम्हारे मुंह के अंदर बाहर निकालना, बोलो। उस समय मौन में रहना है। अगर आपने ये शिक्षा नहीं ली तो पति से तो कुत्ते की जीत देखी कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी तो बाहर निकाल के घूमता है वो भौंक भौंक के पागल कर देगा, घर खत्म कर देगा। इसलिए किसी हालत में ये ब्रेन शॉट मत होने दो। आपके जीवन की परिस्थितियां सरकमस्टांसेस का उत्तर यहां पर है, वो ऊपर से देगा, वो तब जब आप पोस्टमैन बनना बंद करोगे। और एक बार बुध घूमते फिरते एक सत्संग की ओर चल पड़े, तो वहां पर एक महाराज थे, वो अपने शिष्यों को बिठाकर सत्संग कर रहे थे। तो बुध ने देखा उन्हें, उन्होंने बुध को देखा और बुध फटाफट सरपट उल्टे पांव कहीं और चले गए। उन्होंने अपनी कथा कहानी शिक्षा खत्म की और बुध को ढूंढते ढूंढते आ गए वृक्ष के नीचे। बोले, आपने क्या किया ये, आप आए और आप चल दिए? बोले, नहीं, मैं एक पल तो बैठा, फिर लगा नहीं अंदर से आवाजें चले जाना चाहिए। बोले, ऐसा क्यों? भाई, क्योंकि आप उस समय लोगों को कुछ बतला रहे थे, अगर मुझे बात उचित ना लगती मैं कुछ बोल बैठता, आपकी वहां अपनी इज्जत है, इसलिए मैंने कहा चले जाना ही उचित है। मौन छोड़ दो महफिल। हम तो कहते हैं, हेलो सुनो, सिरदर्द हो रहा है, मैं बताता हूं, अजवाइन ले लो थोड़ी सी, उसे पीसो, ये सब शुरू हो जाता है हमारा। चुप नहीं रह सकते हम, राय देते रहते हैं। वो माता अपने बच्चों को पीट रही है तो दादी आकर के जरूर बोलते, आए लल्ला को क्यों पीट रही है, वो दो और मारती है, मार के उसमें सास को होते हैं, मार सकती नहीं, वो लल्ला की ठोक देती है, बोले इसकी टीम का ये ले। चुप नहीं रहती, पोस्टमैन बोलता जरूर है, चिट्ठी लाए, मेरी चिट्ठी ले लो। गुस्सा किसने, क्योंकि गुस्सा ही करना 24 घंटे, रेप्टाइल ने गुस्सा ही करना है, इसने कतल ही करना है, इसने प्यार भी करना है तो मार भी करना है, रेप्टाइल का काम यही है निकालना। हाँ, क्लेश, ये क्लेश है, ये क्वेश्चन मार्क है, एंजॉय करूं कि क्लेश करूं, और ये सिर्फ एंजॉय है, ये होता है हाँ ना, हाँ ना। बहुत लोग होते हैं डबल माइंडेड, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पोस्टमैन होते हैं, आप उनके साथ 15 मिनट बैठो और बोले एक चाय पी के निकल जाएंगे, वो चार चाय से पहले छोड़ दें आपको तो बात रहेगी, इतनी बातें होंगी उनमें भरी हुई। तो बुद्ध के पास आ गए जी बाद में वो, और कहिए भगवान अब आप आ गए, अब आप बताएं मुझसे प्रश्न जो आप चाहते हैं करें। तो बुद्ध ने कहा, आप दुख के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या संसार में दुख होता है? उन्होंने कहा, जी हाँ, दुख बिल्कुल होता है, 100% होता है, आप तो बुद्ध हैं, स्वयं जानते हैं। बोले, नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूं। तो दुख होता तो उसका कारण भी होता होगा? जी हाँ, दुख का 100% एक कारण होता है, इसीलिए इंसान के जीवन में दुख आता है। अगर कारण है तो फिर उसका निवारण भी होता होगा, सॉल्यूशन भी होती होगी। बोले, 100% होता है सॉल्यूशन, 101% होती है। तो मुझे एक उत्तर दीजिए, यदि आप एक व्यक्ति है और बीच रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है लेकिन बीच में पानी है, तो वो कैसे जा सकता है? बड़ा आसान है, देखिए बुद्ध, उसमें वो अगर पानी गहरा नहीं है तो पैदल चल के चला जाए, थोड़ा थोड़ा भीग जाएगा, उसकी परेशानी नहीं है। और अगर वो व्यक्ति बहुत गहरा पानी है तो भाई नाव कर ले, नाव के द्वारा जा सकता है, और अगर तैरना जानता है तो तीसरा रास्ता के तैर के चला जाए। तो बुद्ध ने कहा, जी ये तो तीनों गलत है। बोले, तीनों गलत मतलब? कहा, देखिए, जब तक वो मनुष्य पार जाना नहीं चाहेगा ना, वो जा ही नहीं सकता। हम रास्ते खोजते चले जाते, चाहते नहीं। हे भगवान, तू करा दे, मामा जी तुम करा दो, हाय बड़ी दिक्कत है, तुम चाहते हो पहले, तुम पार करोगे, तुम बहानेबाजी मत ढूंढो, इस ब्रेन पर आओ, रास्ता तुम्हें देने के लिए तुम्हारे अंदर थर्ड आई लगी है। जीवन भर रास्ते दिए ईश्वर ने, जीवन भर जुगाड़ दिया है, अरेंजमेंट की है, बीमारी दी है तो ठीक भी किया है, बीमारी इसने दी है मुन्ना ने और ठीक ईश्वर ने किया है, आपने सिर्फ फैसला किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैं अब ये तो ठीक कहां हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता साला, नई याद आएगी मेरे लिए, होगा। आप इसी को तो बी पॉजिटिव कहते हैं, लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। आप बिलीव ही नहीं करते, आप यही सोच के चलते हो अब कहां सुधरेंगे, अंदर से भी कहते जब करके बात किए तो सुधारने भी देंगे। आपके अंदर एनर्जी सारी शून्य से यही फंसी रह जाती है। आप अगर नदी पार करना चाहते हैं तो आप कर्म करेंगे, आप पतले होना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप आनंद करना चाहते हैं, आप मोटे होना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, तो आप करते हैं। अर्जुन धनुष उठा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू करेगा, पर तू कर, युद्ध कर। पोस्टमैन करता कुछ नहीं, पोस्टमैन बस बोलता रहता है,
तुमने ऐसे किया, मैंने वैसा किया, तुम्हें वो करना नहीं चाहिए था, मुझे वो करना नहीं चाहिए था, यहाँ तुम्हारे संस्कार गलत है, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। पोस्टमैन मौन में नहीं जाता, चबड़ 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 चबड़। सबसे बढ़िया काम, आपको घर से फोन आए या ऑफिस से आपको घर फोन करते पति, तो ज्यादा लड़ाई का मौका हो तो कोर्ट काट दो, और फिर उसके बाद दिस फोन इज नॉट रीचेबल कर दो, क्योंकि उस समय रेप्टाइल बात कर रहा है, ये क्लेश करेगा। क्लेश ऑन होते ही, स्ट्रेस ऑन होते ही यहां ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, बॉडी अपने आप कर देती है, कहती है फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा। इसलिए स्ट्रेस के लिए आप कोई भी क्लेश ले लो, अपने अंदर हीन भावना ले आओ, जैसे ही आती है आपको रास्ता दिख सकता है, आप देखते नहीं, और फिर आपकी जबान से कुछ भी निकल जाता है, आप कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। आज घर जाकर के बैठ के, बल्कि रोज की एक्सरसाइज करो, एक कागज कलम ले लो और उस कागज को, बल्कि बोर्ड खरीद लो, दीवार पर टांग दो, अगर ऐसा व्हाइट बोर्ड हो छोटा वाला ले लो, उस पर ना रोज लिख दिया करो, या तीन दिन में, ये क्लेश है यार, इसकी टेंशन है मुझे, ये पैसा, प्यार, शक, दुलार, कोई भी चीज की टेंशन है, निकलते बढ़ते आपको वो दिखता रहेगा। तो आपने इसके लिए एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी है आज से, आपने सीधा सांस लेनी है अंदर, सांस लेते हुए आपने करना ओम, क्योंकि फ्री जीरो सांस, यहाँ पर शांति है, यहाँ क्लेश है, इधर कहीं गुस्सा है, इधर बेइज्जती है, इधर कोर्ट कचहरी है, इधर बीमारी है, आपने सांस लिया, कोई सी भी एक आ जाएगी जो दिमाग में उस समय सोच रहे हो, वहां से फ्रिक्वेंसी फोन कॉल लग जाएगा, वो आ जाएगा, ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या ईर्ष्या आ गई, गुस्सा आ गया, इसलिए गुस्सा आता है। तो आपने उस समय क्या करना है, सब पड़े रहेंगे ओम, मन में बोलना ओम, पेट में नाभि में आ गया, अब रुक जाओ, अब आराम से सांस को रोको, रोकने के बाद ओम बाहर बोलोगे मुंह से तो बाहर निकलते हुए ओम बोल सकते हो, अंदर सांस लेते हुए स्वर नहीं आ सकता, मन में बोलना है। अगर बिना ओम ओम बोलना एक दिमाग को उलझाने का खेल है, ताकि दिमाग सोचना बैठे, क्योंकि सांस लेते टाइम ही आप सोच बैठोगे मुझे ना अपने जीवन से ये दुख निकालना है, आप वही ले बैठोगे पहले अंदर। आपको कर्जा हटाना है, आपके अंदर कर्जा पड़ा हुआ है, आपके अंदर यहां कर्जा पड़ा हुआ है, इसलिए आपके जीवन में कर्जा है, इसलिए आप कर्जे की बात रोते रहते हो, आपके जीवन में कर्जा भरा 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 हुआ। आपने एसिडिटी होती है, एसिडिटी बाहर आना चाहती है, गैस होती है, गैस बाहर आना चाहती है, आपके अंदर जो है बाहर आना चाहता है ना, जैसे ही बाहर निकलेगा आपको आराम आ गया यार, ठीक हो गया भाई, अब आपके अंदर कर्जा है, इसलिए आपके जीवन में कर्जा है। आपके सिर में दर्द है क्योंकि आपके अंदर है, इसीलिए सिर में वो काम कर रहा है एनर्जी, तो आपको सांस अंदर लेते हुए सोचो कि सिरदर्द भगाना, तो पहले तो सिरदर्द के ले लोगे, सिरदर्द आ गया और आ जाएगा, इसलिए ओम बोलना कंफ्यूज करने के लिए, ओम मन में ओम, रोक लिया, अब सोचो कागज पे लिखा था मैंने, अंदर सिरदर्द फंसा हुआ है, पेट की नाभि पे कल्पना करो सिरदर्द इकट्ठा किया आपने, बाहर इसको जाप बनाना, जाप यानी कि जैसे आप दिन में 108 बार ये गाना गाते थे कि मेरे पल्ले पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है, पैसा नहीं है के कारण कष्ट है, धन ना होने के कारण कष्ट, ये अंदर सांस लिया, धन ना होने के कारण जितनी भी गरीबी परेशानी, आप गरीबी शब्द बोल सकते हो अकेले, गरीबी, और बाहर फेंका, गरीबी एक बार निकली है, 108 बार तो अंदर लिया आपने, अच्छा याद कौन दिलाए बार बार ये करना है, इसलिए बोर्ड खरीद के रख लो, उसमें लिख दो, वो याद दिलाएगा, देख कर ही आएगा, क्यों भरना, अन्यथा ये भी नहीं करना तो एक नई एक्सरसाइज और है, अभी बताता हूं, लेकिन ये बात याद रखना है कि हर हालत में ये खाली रखना है, और क्या करना है इसको रखने के लिए, हाँ हाँ है, गरीबी है, ठीक है भगवान तेरी मर्जी है, रास्ता अब तेरे हवाले है, मैंने अब इसके लिए रोना पिटना, पोस्टमैन बनके सारा दिन भजन करना, सेम कहानी लोगों को बतानी, सारे दिन टह 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 टह, डर लग रहा है, डर लग रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा शरीर खराब है, मेरे को कैंसर तो नहीं है, मेरे को बीमारी तो नहीं है, मुझे बीवी पे शक है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, ये भजन बंद कर देना है, और सिर्फ 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 प्रेम करना, प्रेम प्रेम क्या करना होता है भाई, हल्ला गुल्ला मस्ती मार के मजा आया तुम्हारे साथ, अब तुम मुझे कुछ दो तो प्यार नहीं है। बच्चा जब खेलता है तो बस खेलता है, उसे कुछ चाहिए नहीं, जो पढ़ता है और सिर्फ पढ़ता है उसे आईआईटी तो नहीं शायद बनने को मिलता, लेकिन ईश्वर कुछ ना कुछ बना बैठता है उसका। हमारे जीवन में जितनी जरूरतें हैं, सांस लेना, भोजन पचाना, नींद लेना, वो हमने कभी रेगुलेट ही नहीं की, अपने आप ही हो रही है। अगर अपने आप हो रही है तभी सही हो रही है। अगर आपको नींद लेनी है तो आज आप बैठ जाओ, फिर बेड पे मंत्र पढ़ो, पढ़ो अपना, फिर लेटो, फिर को नींद के लिए मैं जोर लगा लूंगा आज, और बहुत जोर से नींद लूंगा,
आपको जोर लगाना छोड़ने से ही नींद आएगी। आप जब तक जोर लगाते रहोगे, मेहनत करोगे, नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं करना, जैसे ही आप ऑन करते हो ईश्वर कर देता है। आप करने में लगे हो, ये करूंगा, फिर सारा दिन गाना चल रहा है, साला पेमेंट नहीं आई, ये नहीं हुआ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पोस्टमैन ऑन हो गया, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। मौन, टोकना बंद, बोलना बंद, बता दिया, बाकी उसका नसीब। एपिजेनेटिक्स एक ऐसी चीज है कि आपके जीन्स में ये हो सकता है कि आप यदि मांस खाते हैं तो आपको नुकसान हो रहा हो, दूसरा खाता हो उसको शायद ना हो, क्योंकि वो मांस खाते हुए सोच रहा है मजा आ गया यार, उसको फायदा देगा 101%, और आप सोच रहे हो ये तो पाप है, आपको नुकसान देगा 101%। ऐसे लोग हैं जिनका कॉर्टिसोल, टेंशन का, क्लेश का, दिमाग फटने का हार्मोन खत्म होता है सिगरेट पीने से। ये फैक्चुअली होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है बॉडी में बढ़ जाता है, सिगरेट सुट्टा मारने की इच्छा होती है उनकी कि सुट्टा मारे, क्योंकि उससे वाकई कॉर्टिसोल डाउन होता है। तो दवाई है ये सिगरेट नहीं होती, दवाई होती है। इसलिए दवाई की तरह खाने दो भाई, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खत्म हो गया। आप पीछे पड़ जाते हो, नहीं खानी, वो कहता मैं तीन और खाऊंगा, क्योंकि प्रेम नहीं है, क्योंकि छोड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हाय तो मैं मचा रखी है, रेप्टाइल ऑन है। बच्चों के खून पी जाते हैं माँ बाप, क्या कर रहा है भविष्य में, तेरा भविष्य क्या होगा, अबे तुम तो बड़े हो, तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे पास आते हैं पेरेंट्स जो बच्चों का खून पी रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इसके जीवन का। अच्छा, उनको बच्चे से धेले का प्यार नहीं है, उनके अंदर कमांड चल रही है जब हम बुढ़े हो जाएंगे हमारा ध्यान कौन रखेगा, अगर एक काबिल हुआ तो हमारे को ढंग से खिला पिला पाएगा, अगर साला ठेला खींचेगा तो हमें तो खिला पाया नहीं पाएगा, उनको अपना स्यापा है। मैं उन्हें कहता हूं खुद पे मेहनत करो, क्यों बुढ़े हो रहे हो, क्यों बीमार क्यों पड़ रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, जरूरी है बीमार पड़ो। अच्छा, उल्टा कमांड चल रही है जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारा ध्यान देंगे ना, अंदर भर रहा है। अच्छा, बीमार डालना है, अच्छा ध्यान भी देना है, ध्यान भी दिलवाएगा बच्चों से, लेकिन फिर नई कमांड्स आ जाएंगी थोड़े दिनों बाद, कौन ध्यान देता है आजकल किसी का, सब साली स्वार्थी दुनिया है। फिर ये फिर बच्चे नहीं देते, एक दो साल ध्यान देते, फिर कहते हैं पहले की कमांड पूरी हो गई, एक दो साल में खत्म हो गया कोटा, अब नहीं देंगे। प्यार करना नहीं छोड़ना है। हाँ जी, थर्ड आई जुगाड़ का काम भी थर्ड आई करती है। हाँ हाँ, जुगाड़ क्या होता है, ईश्वर की क्रिया। मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कृपा ही हो गई, अपने आप शरीर ठीक हो गया, अपने आप बच्चे के पेपर नंबर अच्छे आ गए, क्योंकि ईश्वर पे छोड़ा, ये तो ना बैठा ईश्वर। कौन से बच्चे, कौन से बच्चे, वो हमने पैदा किए, हम भी बच्चे हैं, हम सभी बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक बूढ़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, सारे बच्चे हैं। ये जो मन में चिंता है ना, ये इसका काम है। जब माँ या पिता चिंता कर रहे हैं अपने बच्चे की, तो बच्चे की चिंता नहीं कर रहे। नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं, हो सकता है उनको कुछ और बनना हो, उनको ऐसे सामने बैठ के उंगली टेढ़ी करके लेक्चर देने हो, उनको पढ़ने नहीं देगा। ग्रह मुझे थर्ड डिवीजन ग्रेजुएट बनाया था मेरे सितारों ने, और मैं मेरिट लिस्ट होल्डर था, पीट पीट के किस्मत चाहती थी इंजीनियर ना बन जाए, मुझे इतना पीटा गया क्योंकि ये बनना था, मार मार के, एक्चुअली मार मार के, पर मैंने हाँ बोला हमेशा, वो मेरे फादर की वजह से। तो वो कृपा होती है, हम सब बच्चे ही तो हैं, आपके बच्चे ने जो बनना है वो उसका नसीब है, आपके दिमाग में इतना पता है। मैं क्वेश्चन जो पढ़ाई का उसी में एक्सरसाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ। लेन और देन पूरा नहीं करते ना हम, लेन तो कर देते हैं, देन नहीं करते ना, तो फिर वो क्यों नहीं देते, सांस बाहर को छोड़नी पड़ती है ना, मलमूत्र तो त्यागना ही पड़ता है ना, जो छूटता है वो मलमूत्र होता है। एक बच्चे नंगे पांव सड़क पे फूल बेच रहा था, तो वहां से गुजरती हुई दुनिया गुजर रही थी, किसी को परवाह नहीं, एक आदमी को दया आ गई कि इतनी भरी दोपहर में बच्चा चल रहा है नंगे पांव, वो फटाक से पास की दुकान से जूते खरीद लाया और उस बच्चे को दिया, बोलो बेटा पहन लो। तो बोला कि आप भगवान हो, कहता नहीं बेटा मैं भगवान तो नहीं हूं। बोले नहीं भगवान होंगे, मैंने कल प्रार्थना की थी मेरे पैर जलते हैं, भगवान मुझे जूते दिला दो। बोले आप जूते दे गए हो, आप भगवान ही हो। बोले नहीं भगवान नहीं हो। बोले हो, नहीं मैं उनका दोस्त हूं। बोले हाँ, तो फिर आप उनके दोस्त होंगे, ठीक है, क्योंकि उस एक क्षण में उस व्यक्ति को यह समझ आ गया, या तो खुद दे दो या छोड़ के चले जाओ, मर्जी है।
देना यही है, छूटना यही है, इसके मजे लो और मजे दो। इसी को दान कहते हैं, इसी को सेवा कहते हैं। सेवा मीन्स देना, हम देते नहीं है, हम इसलिए देते हैं तो सेवा का है, इसलिए सेवा करनी नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं सेवा मत करो, क्योंकि तुम्हें जो सेवा करनी आती वो सेवा नहीं है, वो लालच है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया। माँ बाप बड़े ही महान स्वार्थी होते हैं जो बच्चों को किसी समय जीवन में ताना मार देते हैं, तेरे लिए इतना किया हमने, तेरे लिए रात भर नहीं सोए। अबे क्यों नहीं सोए, फिर सो लेते, तूने हमें ये दिन दिखाना था, वो तुम्हें दिन नहीं दिखा रहा, वो तुम्हें दिन में तारे दिखा रहा है। तुम्हारा नसीब है भाई, क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, तुमने किया ही स्वार्थ से। करो और छोड़ दो, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने, जो बच्चे हम भी किसी के बच्चे थे, हम सबका एक परम पिता है वो एम्प्टी स्पेस में रहता है। आप मान के चले, इनके बच्चे के पेपर के हिसाब से ले लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। कहते बच्चे का पेपर आज क्या तारीख हो गई, 24 हो गई, 25 तारीख हो गई, 25 तारीख ये आज का दिन है, फिर एक 24 तारीख है, ये 2018 हो गया और यहाँ 2017 भी है, ठीक है जी। अब उसके बाद बच्चे का 30 तारीख को पेपर है, एग्जाम, एग्जाम 30 तारीख को है और 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 2018 आएंगे, 2020 में बच्चे ने सोचा हुआ है मैंने इंजीनियर बनना है, बच्चे ने सोचा, मम्मी पापा ने ठूस ठूस के कुट कुट के इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, एक्स वाई जेड बन, कुछ बन। और 2025 में बच्चे ने खुद को फरारी दे रखी है। हाँ ऐसे करते हैं बच्चे भाई। अभी तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब इसको आप इस प्रकार समझ लें, यहां पर ये हूं मैं वाला मैं, बहुत सारे मैं होते हैं, हम अलग अलग मैं की कंफ्यूजन नहीं लेंगे। अब आप ये मान के चले कि मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं बच्चा हूं, मैंने पेपर देना है, मुझे बड़ी टेंशन है यार, पेपर देना है, ध्यान लगा हुआ है कहीं और, ध्यान लगा हुआ है यार 24 तारीख कल ना यार वो ना उसने ना मुझे खाने में यार ब्रेड पकौड़ा एक कम दिया था यार, मेरे दोस्त है यार 10 रुपए का चूना लगा गए, तो यहाँ पर ना परेशानी है मुझे, तो मैं ना पढ़ना है मुझे अभी, ये मेरा एग्जाम है 30 को और मैं यहाँ पर हूँ वैसे, ठीक है। तो ये वो स्विच बोर्ड है, एग्जाम्पल ले लें ये वाला, ये ऐसे ऐसे बने हुए जैसा ये होता है। अब ये वाला जो है 25 तारीख का, मेरा ये 25 तारीख है, ये मेरा 24 तारीख है, ये ना मेरे को, मैंने एग्जाम देना है, एग्जाम देना, उसके लिए तैयारी करनी है मैंने, तो मैंने क्या किया अपना 25 तारीख में प्लग लगाना है, प्लग लेके घूम रहा हूं अपना, तो यार 25 तारीख में रहना, 25 तारीख का एग्जाम देना भाई। अचानक ना दिमाग कहता है हेलो इधर, कल के 10 रुपए भूल गया, और जो तेरा बर्गर पैटी और जो ब्रेड पकड़ा था तो क्या करेगा तू, उसके बारे में सोचा कुछ? नहीं यार एग्जाम देना है। और चुप कर, वो फरारी आ रही है, फरारी आ गई, वो फरारी ऐसी तैसी, इस रिजल्ट का क्या करेगा? फिर वो बच्चा टेंशन कर रहा है, सारा एग्जाम देना है यार, कंसंट्रेशन नहीं लग रही यार, पढ़ाई नहीं जा रहा यार, दिमाग खराब हो रहा है, कैसे करूं यार, बड़ी टेंशन है, ऊपर से मम्मी पीट रही है, तेरी ऐसी की तैसी। उसी टाइम ध्यान आ गया, 2017 में भी मम्मी ने पीटा, यहां लगा दिया प्लग मैंने, मैं अपने प्लग को लेकर नाच रहा हूं। उसके बाद मुझे कोई और याद आ गई, भविष्य की, फ्यूचर की चिंता, इंजीनियर का, ये प्लग मेरा यहां नहीं लग रहा, मैं सारे समय इधर उधर नाच रहा हूं, मेरे रेप्टाइल ब्रेन ऑन कर दिया, मम्मी पापा ने पीट पाट के गुस्सा दिखा करके मुझे अकेला नहीं छोड़ा। पढ़ते समय क्यों बोलते हैं बच्चे को इसे अकेला छोड़ दो, सबसे पहले इसके आसपास दिखने वाली सराउंडिंग्स खत्म करो, ताकि ये प्लग कहीं और ना लगाए। ये प्लग मैंने उठा के यहां लगाना है नाव में, मेरी थर्ड आई सेट रहेगी और आगे एग्जाम मेरा फर्स्ट क्लास होगा। तो मैंने क्या करना है, अब परेशान हो रहा है दिमाग, ये सबने एक्सरसाइज करनी है। आज 25 तारीख है और आपको टेंशन हो रही कल की पेमेंट कहां से आएगी यार, भविष्य में मेरे पे इतने का कर्जा चढ़ जाएगा, मेरे तो मकान बिक जाएगा यार, ये सारी जगह प्लग लगा रहे हो आप अभी बैठ के। आपने इसको बोर्ड को घसीटना है, अपने इसको घुमाना है जैसे पल्लू घुमाती थी हेमा मालिनी, ऐसे घुमाते हुए लाना है और इसे घुमा के ना यही ठोकना है, सोचना दफा हो तुम सारे। इस समय सारी पावर यहां लगानी है मैंने, मम्मी यहां बैठी है, 8 बज रहे, मम्मी का प्लग आगे जा रहा है, 10 बजे आने को बोला बेटे ने, अगर 11 तक नहीं आया ना मैं पागल हो जाऊंगी यार, फिर देखना कल सुबह इसके पापा को शिकायत लगाऊंगी, इसे घर से निकलवा दूंगी। फिर यहां वापिस जा रही मम्मी, पीछे चली गई, हाँ मेरा बेटा है, अच्छा 8:30 हो गए, फिर प्लग यहाँ आ गया 8:30, यहां नहीं लग रहा अभी भी, वो आगे पीछे नाच रहा है। आपको ईश्वर मौका सुधारेगा कैसे,
भगवान आपके जीवन में सुधार लाएगा कैसे? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि भगवान की ही जगह में तो ये प्लग लगे हुए हैं। एम्प्टी स्पेस ही तो है जहां पर आप प्लग लेके आप नाच रहे हो और आप हर समय इधर उधर लगाते रहते हो। फिर पता क्या होता है, मुन्ना हावी हो जाता है, स्ट्रेस ऑन होती है, लास्ट ब्रेन ऑन रहता है, ये बटन ऑफ हो जाता है और मुन्ना करवाता है आपसे फिर शैतानी। मन कुछ का कुछ करा देता है, आपसे क्लेश कराता है, आप पोस्टमैन जीभ से वो बोल देते हो जिसके बाद आप पछताते हो, ये क्या कर डाला, ये क्यों कर डाला, कैसे हुआ ये, क्योंकि आप अपने प्लग को लेकर नाच रहे हो। आपको इतनी समझ नहीं आई, इस प्लग को मैंने इतने बजे इस तारीख को यही रखना है, ऐसी की तैसी। थोड़ी देर के लिए आपको किसी ने प्रश्न पूछ लिया, भाई साहब फिर मंगलवार को क्या कर रहे हो 4 बजे, आप प्लग को यहां नहीं ले सकते। अब ऑटोमेटिक प्लग ऑन होगा, आपने प्लग निकाल लिया, आप पीछे चले गए, आपने कहीं और सर्किट अटेंड किए, ब्रेन में यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां मिल गया, हाँ यार मंगलवार को अगले 4 बजे ना मेरा ये प्रोग्राम है, या फिर यार नहीं अभी कोई अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अभी कोई प्रोग्राम नहीं भाई, अभी कोई डिसाइड नहीं किया यार, अच्छा यार तो फिर ये करते हैं, अच्छा ठीक है मैं यहाँ ये करेंगे यार इस दिन, ऐसे लगा के छोड़ दिया, उसी टाइम वापिस आ गए। अगर आपने स्ट्रेस रखी है माइंड में तो मुन्ना पकड़ लेगा आपको, मुन्ना ब्रेन, भाग्य ब्रेन, भाग्य ब्रेन कौन सा, जो पूर्व जन्म का कारण है मन, जिसके कारण से बावली हरकत करते हैं हम, जो एलियन शैतान हमारे अंदर रहता है और वो यहीं से सपने देना शुरू कर देगा। 4 बजे तेरे को फिर कॉफी पे मिलना उससे यार, फिर उसको भी बुला लेना, गर्लफ्रेंड को भी बुला ले, वहीं से आगे पिक्चर देखने चले जाएंगे। अबे दफा कर पहले तो वापिस आ। अगर बात लगाने के बाद भी स्ट्रेस आएगा तो प्लग उखड़ेगा यहाँ से, ऐसे नाचेगा बारह 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 यहाँ जाना है, तो उस समय सीधी सी बात बोलो, दफा हो यहाँ से। इसके लिए मंत्र है, आप मंत्र पढ़ सकते हो बाहर में जाए, चलो कभी ऐसे भी सही, चलो कोई बात नहीं, झावल ड्रिन उड्रू उड्रू इड्रा मुड्री पिड्रू पुड्रू, क्योंकि दिमाग इन शब्दों को पहचानता नहीं, दिमाग फटाक से नाचेगा सब जगह। अभी मुन्ना क्या कर रहा है, मुन्ना आपके आपने यहां लगा रखा है, ये मुन्ना का हाथ आ गया मन का, वो कह रहा है यहां लगा यहां लगा, मैं कह रहा हूं यहां लगूंगा, वो कह रहा है यहां लगा, जैसे ही आपने उड्रू उड्रू कर दिया, मुन्ना ढूंढेगा वो कहां है यार, कहां है वो, तो कोई मिला नहीं रहा, मिल नहीं रहा यार, किधर गया, उसका चंगुल छूट जाएगा। इसीलिए बच्चे करते हैं अगड़े ना बड़े ना बड़े ना बड़े गबे गबे, वो क्या करते हैं, उस समय दिमाग आउट है उनका, उनके दिमाग में 5 साल की 6 साल की उम्र तक जो इन्फॉर्मेशन आज तक ली है वो आउट है, इसलिए उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। और हम कहते हैं क्या बच्चे हैं ये, इनको कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, तलबते हो बाद में एक दिन ऐसा आए हमें भी पता ना चले हम क्या कर रहे हैं, साला बहुत पता चलता है, और पता चलते ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बहस होती है, नफरत होती है, चिक चिक कर बैठते हैं, अपने आप को हम कर लेते हैं, प्रेम समाप्त कर देते हैं, क्योंकि पोस्टमैन की नौकरी पे लगे हुए। जो बड़े बच्चे ऐसा करते हैं, बड़े बच्चे ऐसा जो करते हैं उनको रियलाइज करने की शक्ति दी है ईश्वर ने, ये बहुत सुंदर बात है, ये बड़े बच्चों का ही सत्संग है। तो बड़े कितनी एज पर जाते हैं? जब बहुत बहुत प्यारा सवाल है, मैं क्या बताऊं, उन्होंने कहा है वो बड़े किस एज में हो जाते हैं, कोई भी इंसान अपने आप को उस एज में बड़ा समझे जब वो अंदर से जान ले मैं अभी भी छोटा हूं। जिस दिन आपने मन में जान लिया ओहो पता नहीं कितना मैच्योर होना बचा यार, अभी उस दिन मैच्योर हुआ, ओ यार अभी तो इतनी इतनी बेवकूफियां करी हैं भैया, अपने आप पे भरोसा नहीं करना, पागल नहीं होना, उस दिन बड़े हुए आप, अदरवाइज तो बड़ा यही सोचते रहता ले मैं सब पता है, ऊपर से एक पड़ती है थाड़ लेते न पता सी। आपको बड़े होने का हक ही नहीं है, आप बच्चे बने रहो, बड़े मीन्स पूर्ण विराम फुल स्टॉप, और यार जीवन मस्ती का नाम है, साला एंजॉयमेंट कराना है क्या यार, मुझे तो कुछ दिखा नहीं आज तक। नहीं जो बच्चा ऐसा करता है वो क्या उसका दिमाग कम है या उसको नॉलेज नहीं है, जो आप उगली उगली बता रहे हैं, जो बच्चा उगली उगली करता है। देखिए उन्होंने पूछा जो बच्चा उगलू पुगलू करता है क्या उसके पास दिमाग कम है या उसे नॉलेज नहीं है, आपका जो दिमाग है वो क्या है, आपका जो दिमाग है आपको क्या समझते हैं आप क्या है, आज तक आपने अपने 20 साल 40 साल 50 साल के जीवन को जो जितना जिस प्रकार जैसे जिया है उतना ही आपका दिमाग है, इसके अलावा आपका दिमाग यादें हैं, फालतू की कल्पनाएं हैं और धेले की अकल नहीं है, इसके अलावा तो जो 50 साल का होके भी ये कहता है मुझे इतनी अकल है वो उतना ही बोल रहा है क्योंकि उतना ही जिया है, इसलिए वो तो आपका दिमाग है।
और उस दिमाग के होने के बावजूद जिसके ऊपर आप गर्व करते हैं, यदि आप जीवन में फेलियर हैं और आपके चेहरे पे शिकन आ सकती है और आप इस स्वर्ग जैसी धरती पे नग्न ढूंढ सकते हो, तो आप फेलियर हो। तो ये मान के चलो कि आपका दिमाग अभी भी परिपक्व नहीं हुआ, अभी भी सेब पूरा का पूरा पका नहीं, अभी भी फूल पूरा खिला नहीं, तो उस समय इस दिमाग को ऑफ करना है। ऐसे कि तैसी सड़ियल दिमाग की, साले को खाली करो, इरेज करो। फोन हैंग होने लगा, ये जिंदगी हैंग होने लगी है, लाइफ में क्लेश हुआ, माथे पे शिकन आ गई, झंझट आ गया, हैंग हो गई ना लाइफ, पैसे अटक गए, लाइफ हैंग हो गई, फोन हैंग हो जाता है ना, फोन की मेमोरी ब्लास्ट हो गई, फोन कहता है भाई जगह ही नहीं बची, घर में जगह ही नहीं है, स्टोर में जगह नहीं, और क्या डालोगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फाइल्स उड़ाओ, फालतू वीडियोस, फालतू फोटोग्राफ्स उड़ाओ। ऐसे आप अपने दिमाग को फारिग कैसे करोगे, जीरो कैसे करोगे, पुरानी चीजें हटा के। पुरानी चीजें हटने का नाम नहीं लेती, पुराने संस्कार हटने का नाम नहीं लेते। वो कैसे हटेंगे, जब आप वहां पर खाली जगह क्रिएट करोगे। एम्प्टी में ही तो ईश्वर चिट्ठी देगा, हमें ईश्वर की चिट्ठी चाहिए। नहीं तो आपके अंदर क्या भरा, नफरत ऐसे भरती है, नफरत गुस्सा ऐसे भरता है, ऐसे आप पागल हो जाते हो, वासना ऐसे भरती है, आप पागल हो जाते हो। आप बीसों साल पिटते रहते हो, मेरा हक मार लिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे प्रेम नहीं मिला। आपके जीवन में सिर्फ प्यार चाहिए। जिन बच्चों को प्रेम मिलता है वो बड़े होकर के हेल्दी रहते हैं अपने आप में। ये एपिजेनेटिक्स है, हमारे जीन्स के अंदर ये मेमोरी बन जाती है कि खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, बॉडी हेल्दी रखनी है, अपने आप हेल्दी हो जाता है। एपिजेनेटिक को आप ऐसे समझें कि आप जीन्स में पैदा हुए और आपके जीवन के अंदर आपने कभी शराब नहीं पी, फिर आपके सराउंडिंग मित्र, एपी मीन्स बाहर से मित्र मिल गए आपको, ऐसे पोस्टमैन मिल गए जिन्होंने कहा शराब पियेंगे खूब मजा आएगा। अब एक बड़ा अजीब सा स्वभाव था कि जब शराब पीते थे ना तो पीते टाइम मुर्गा खाते थे, अब मुर्गा स्टिमुलस बन गया। अब आपने 2 साल 5 साल शराब शुरू पी के, नहीं यार मैंने छोड़ दी, तो आपने क्या किया, शराब छोड़ दी। लेकिन आपको एक दिन अचानक मुर्गा दिख गया, आपके अंदर का जीन ऑन हो गया, बटन ऑन हो गया, टिंग, शराब का है, विस्की मिल जाए और मजा आ जाए। ना मुर्गे का लिंक था ना विस्की का था, लेकिन वो याद आ गया। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पेपर देना है, पढ़ते वक्त वो बच्चा क्या कर रहा है, गाने सुनता है। ऐसे अक्सर करते हैं बच्चे, मैथ्स अकाउंट्स गाने लगा रखे हैं हल्के हल्के और कर रहे हैं। उनका एपिजेनेटिक्स बाहर से मिलने वाला जीन्स कैसा है, उन्हें कि जब म्यूजिक चल रहा है तो फर्स्ट क्लास अकाउंट्स होगा, म्यूजिक चल रहा है, टीवी चल रहा है, देख नहीं रहा वो, ध्यान उसका अकाउंट्स में ही है, फर्स्ट क्लास मैथ्स चल रहा है, अब वाकई फर्स्ट क्लास है। अब हॉल में जाता है एग्जाम देने, वहां जाता है म्यूजिक तो है नहीं, पेपर देता है सिली मिस्टेक्स, क्योंकि दिमाग उस समय कह रहा है म्यूजिक ढूंढ रहा है वो, खुश स्टिमुलस है। बच्चा कहता है मम्मी साथ बैठी है मैं पढ़ू, मम्मी नहीं है मैं पढ़ू, मम्मी के साथ पढ़ता है, फर्स्ट क्लास नंबर आते हैं। फिर वो आते हैं मेरे पास लोग, घर में तो इतने बढ़िया वो नंबर आते हैं, क्योंकि घर में उसकी आदत है, मम्मी ने बिगाड़ रखा है एपिजेनेटिक्स, बाहर से उसको स्टिमुलस दे रखा है, मम्मी बैठी है, मम्मी को बिठा रखा है मुफ्त में यूं ही, और पेपर दे रहा है, फर्स्ट क्लास कर रहा है, वहां पर मम्मी नहीं है, उसका स्टिमुलस टूट गया। तभी मैं बच्चों के लिए कहता हूं कि जो बच्चा जिस रात पढ़ने बैठा है एग्जाम से पहले, वो जो वाली चाय पीता है ना रोज की आदत डाल दो, और एग्जाम वाले दिन वही चाय पिला के भेजो, वही दूध पिला के भेजो, वही वाला ही बिस्किट, वही वाली ही चॉकलेट खिला के, उसको स्टिमुलस मिल जाएगा, उसकी ब्रेन उसी मेमोरी को प्रोग्राम करके सेट हो जाएगी और वापस पेपर देगी फर्स्ट क्लास। नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, आपने भी तेज बोल के सुना दिया इसको, मैंने भी बोल दिया, क्योंकि टीवी पेपर की टाइम नहीं मिलेगा। ये जो हमारा इवोल्यूशन इवॉल्व होते हैं, हम वो इसी तरह से इवॉल्व होते हैं। अब वो पत्नी ये कहती है मैंने पतले होना है, 4 दिन जाती है जी, वो पार्क में गई, बड़ी मेहनत करी, 5वें दिन वो सारी दुनिया को सुनाना शुरू कर देती है, पार्क में जाते बड़ा अच्छा लगता है, पार्क में जाते बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही उसने पोस्टमैन ऑन किया, जैसे ही पोस्टमैन ऑन किया ना, ब्रेन की सप्लाई खाली जगह से बंद हो जाती है, और वो 6ठे दिन कहती है अरे माँ उठाई नहीं जा रहा, भगवान ही उठा ले। फिर कहते हैं लोग, फिर उसमें भी बड़ी तड़ी होती है, हाय नहीं लोग सड़े रहते हैं, हमसे तो ऐसी नजर लगाते हैं ना, उनको फिर नजर का बहाना। आपको समझना है इसको गुप्त रखना कहते हैं। कौन से पापा ने कहा था, क्या कहा था पापा, याद दिला दोबारा, किसी को मुश्किल से अवॉइड किया था इनको। आपने फिर याद दिलाया, दुश्मन वो नहीं है आप हो। इन्होंने पूछा जी सुख और दुख किसी को बताना, क्या ये भी पोस्टमैन की श्रेणी में आता है? आप किसी को सुख बताते हैं, क्यों बताते हैं, क्या जरूरत है बताने की? क्योंकि
कोई क्लोज नहीं, क्लोज कोई नहीं, पहले तो समझना ये पोस्टमैन वाला दिमाग हो गया कि भाई बहन माता पिता क्लोज होते हैं, वो क्लोज नहीं होते, वो क्लोज नहीं होते, आप जबरदस्ती कई बार रिश्ता निभा रहे होते हैं उनके साथ। बेटे की सैलरी बढ़ जाए, बेटा ना बनाए तो माँ तो रहेंगे। अच्छा जरूर मुझसे पूछ के गया होगा, तभी छुपा रहा तभी छुपा रहा। हमारे भाव भी तो ऐसे हो सकते हैं सर, वो हम ब्रह्म है तो वो भी ब्रह्म है, उसका भाव भी तो चेंज। नहीं, ब्रह्म तो अंदर का तत्व है, लेकिन आप जब इंफॉर्मेशन पे रहे, आप माया की बात कर रहे हैं। हम माया की नगरी में संसार में आएंगे तो पिता पुत्र से जेलिसी कर सकता है, पुत्र पिता से जेलिसी कर सकता है, उनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ सकती है। आपको खुद पे प्रेम प्रेम की फील कामना काम करना है, आप में इतना प्रेम हो कि प्रेम लाखों करोड़ों को साइड कर दे। प्रेम नहीं हिलना चाहिए, पैसा तो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। सर कई लोगों को हम नहीं बताना चाहिए, पर वो कहते हैं हम तो झूठे नहीं बोलते। तो बिल्कुल है ना, झूठ बोलने की बात थोड़ी हो रही है, उतना बताओ जो आवश्यक है, फालतू नहीं बताया जाता। मैंने बताया ना, कुछ होना उससे बता के, नहीं होना फिर भी बता रहे। पर हम मना करते हैं तो वो कोई मानता ही नहीं है। कोई नहीं मानता तो वो वही तो लोग हैं जिनके पास रिएक्शन नहीं करना आता। अधिकतर पोस्टमैन कौन है, उनको किसी ने कोई बात बताई है पता चली, उनको रिएक्ट करना नहीं आता, वो उसको रख लेते हैं, रख लिया संभाल के रख लिया। यार अब दूसरे को बताएंगे, इससे पूछेंगे तू कैसा रिएक्ट करता है, भाई ये बात हुई, अच्छा ऐसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इतने समझदार नहीं होने दिया किसी ने, क्योंकि रिश्तों को अपना समझ बैठते हैं हम। और क्या सचमुच में रिश्ते अपने, हम उल्टा रिश्ते घसीट रहे होते हैं। अपने बेटे से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, बेटा बेटा ही है, सिगरेट पीने वाला दोस्त है, वो किसी का दोस्त है जो सिगरेट पीता है, हमारा बेटा नहीं सिगरेट पीता, हमारा बेटे वाला हिस्सा सिगरेट नहीं पीता है, क्योंकि हमारे सामने बैठ के उसने ऐसे नहीं किया और भाई क्या बन रहा आज खाने में बताओ, हमारे बेटे ने कभी सिगरेट नहीं पिया, उसके दोस्त ने उसको पिलाई होगी। हमारा बेटा कभी, हमारे अंदर एक बेटा भी है, एक भाई भी है, एक पति भी है, अलग अलग बिहेव करते हैं। आप मान के चलें, एग्जांपल लेते हैं, आपकी पत्नी आपके पास आती है और लड़ती है बैठती है, सुनते हो जी, बोले नहीं मैं सिर्फ सुनने के अलावा बोल भी सकता हूँ, तो बता क्या कहें। आपकी मम्मी ने पड़ोस वाली आंटी को यह बोल दिया, अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप जाएंगे, खैर मैं नीचे होके आया जरा, मैं हेलो मम्मी क्या आपने कहा था, ये मूर्खता है। आप सीधा बोलो भाई कहा होगा मैं क्या कर सकता हूं, बुढ़िया है पागल है, खत्म कर दफा कर, खत्म खत्म कर दो। आपने नफरत क्लेश गुस्सा शुरू किया, पेड़ बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। आप मां से नफरत करवा दोगे, आपकी मां से, बल्कि उल्टा चार दिन में आपको पता चलेगा कि वो अपनी बहू की बुराई कर रही थी पड़ोसन, इसलिए मैंने भी कर दी, जा दफा कर, मेरा न्यूरॉन ऑन हो गए। जब तक सास ने बहू को डायरेक्टली कुछ बुरा नहीं भला बोला, और वो क्या बोला, क्या लेना देना, क्यों आग लगानी, क्यों पोस्टमैन बन के दूसरों को लेक्चर देते रहना। एक इस चीज से हम बड़े ग्रसित हैं, हम बड़े हो गए हम समझाएंगे, अबे पहले तुम समझ लो कि तुम्हें अभी समझ पूरी नहीं है, किसे समझाने में लगे हो, समझाना पाप है, बताना पुण्य, बता के छोड़ दो, समझाने मत बैठो, पीछे मत पड़ो, सबका अपना भाग्य है, स्वयं पे काम करो, स्वयं पोस्टमैन मत बनो। आप जितने पासवर्ड ओपन करोगे, हमारा दिल बड़ा साफ है, दिल साफ नहीं चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का नहीं चाहिए, अच्छे माँ अच्छे बाप नहीं चाहिए, समझदार माँ और समझदार बाप चाहिए, समझदार बहू चाहिए, समझदार पड़ोसी चाहिए। समझदार मींस जिसको पता हो कब क्या कितना बोलना है, नहीं ही बोलना है, बताना ही नहीं, अवॉइड ही करना, झूठ वूठ कुछ नहीं होता, झूठ बोल दो पर पकड़े नहीं जाना चाहिए फिर, मैं नहीं तो मैं शब्द वापस पकड़े जाते हैं, पकड़े जाए तो कह दो अभी प्रोग्राम बना गलती से, इंटरवल पे गया था मैं, तो क्या करूं, घसीट के ले गया पागल साला, उसी उसको गालियां बको। आप दूसरे को जब गाली बकते हो, जो जो सुन रहा होता है उसको बड़ा मजा आता है, सुगंध। अगर आज किसी को पता चल जाए अंबानी के घर में कोई बुरा हुआ है, मैं कहता हूं 90% लोग खुश हो जाएंगे, अच्छा बस आने कहीं, किसी के घर में दुख आए कितना सुख मिलता है। आप अपने जब सुख किसी को बताते हैं, प्रश्न इनका अधूरा रह गया वहीं से, तो अहंकार की वजह से बताते हैं, आपको अहंकार है, अदरवाइज आपने गाड़ी ली बताएंगे सब गाड़ी लिए, क्यों क्या हो गया इसमें ले ली, खत्म। अब दुनिया का क्या हाल है, उन्होंने कहना गाड़ी लिए बहुत अच्छा किया, अच्छा उसके बाद नहीं तो बाद में कहेंगे आपने गाड़ी ली भाई साहब, बताया नहीं, बताया था आपको, कैसे नहीं बताया,
बंदे ही बताया यार, सॉरी यार आपको बताना रह गया होगा, इतनों को फोन किया लगता है सर तो आपको बताना रह गया, वेरी सॉरी, पता नहीं चला यार इतने बिजी थे, और फिर यार फलान और ढिमकान, मतलब गाड़ी बताना इज नॉट नुकसान, गुप्त रखने की बात नहीं है, पर आप में अहंकार नहीं होना चाहिए कि गाड़ी आई, क्या हो गया गाड़ी आ गई तो 5-10 लाख की गाड़ी आ गई क्या हो गया, गाड़ी कौन सा कोई लंबा चौड़ा काम है, गाड़ी का क्या आइडेंटिटी है, गाड़ी साली हमने पैदा की है, गाड़ी की हमसे आगे क्या औकात, आपको बताना तो ये बताओ ऐसा जी आज भी मेरा बेटा और बिटिया जिंदा है, आज भी मेरा घर बसा हुआ है, आज भी मेरा प्रेम बरकरार है, आज भी मैं हेल्दी हूं, क्योंकि रोज ये दिन नहीं आएगा, क्या करूंगा तभी तो कभी तो मैं कहता हूं मुझसे कोई पूछता है कैसे हूं, मैं कहता हूं जिंदा, उन्हें समझ ही नहीं आता, बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं शरीर से देखता हूं और वो मुर्दा है, जिंदा होना बहुत कमाल की बात है, अगर आप जिंदा हैं सांस लेने वाले शरीर में तो समझो धरती पे स्वर्ग तो मिलेगा आपको, जिसमें मेरे प्रश्न में ये बात थी, जैसे कई बार बीमार इंसान हो जाता है या अपने आप में लगा रहता है किसी को बताता नहीं है अजीज को, या कोई जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे जी फला जगह मशीन है जी वो ठीक कर देती है जॉइंट पेन या ऐसा है, किसी से बात करने से कई बार वाकई उसको फायदा हो जाता है, तो वो तो मैंने बताया ना, आप दूसरे को बताते हो तो उससे सहारा मिलता है, दवाई आपको उठा देती है, जब आप उठ गए ठीक हो गए फिर उसको छोड़ो, नहीं तो पोस्टमैन बना देगा वो आपको, फिर आप 100 दुनिया के अंदर चक्कर मारोगे, भाई साहब वहां ठीक हो जाते हैं, आप जब गए थे बिना गारंटी गए थे, अब आप गारंटी से जा रहे हो, वो अभिमान आ गया, नहीं सर जैसे मैं गई उन्होंने मुझे पैम्फलेट दिया भी आप आगे औरों को भी पता चले और आए इसका लाभ उठाए, ऐसे तो वो तो हम कर सकते दे दो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ, बीमार पड़ी क्यों, बीमार क्यों, अंदर कौन सा प्रोग्राम, अगर आप बीमार हो तो पता करो अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है मेरी खोपड़ी में, मेरी बॉडी को बीमार डालने वाला क्या सोच मेरे अंदर चल रही है, उसके लिए कमांड्स हैं, अपना ये ठुग्गा निकाला था ना मैंने अभी, इसके प्लग को देखो कहाँ लगा रखा है, इसको बीमारी वाले घर में लगा रखा है, यहाँ से निकालो बाहर, प्रारब्ध से आया है ना कटेगा, उसके लिए पेशेंस रखो, वेट करो, पोस्टमैन मत बनो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास एक चोट लग गई घुटने पे, अब आप गाना गा रहे हो अगले 15 दिन तक 1,500 लोगों को सुना दिया, वो तो बढ़ गया, दे पानी डाल डाल के पौधा बड़ा कर दिया, आप छोटे बच्चों को देखते हैं चोट लगी, आपके छोटे बेबी हैं, आप बोलोगे कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो, चिड़िया मर गई तोता मर गया, क्या मरता है चींटी मरती है, चींटी मर गई बच्चा का तो ठीक, वो ठीक भी हो जाता है, ये बड़े होकर ही खराब होते हैं, बच्चे 100 बार गिरते हैं उनकी हड्डियां नहीं टूटती, रेल टूटती है, इसको समझो हमारे अंदर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उससे जीवन चलता है, कुछ नहीं चल रहा है नहीं पल्ले पड़ रहा है, अपना प्लग निकालो, गुस्से में गुस्सा आ रहा है यहां से प्लग निकालो गुस्से से, और ये माइंड का बहुत बड़ा सर्कल है, यहां से गुस्से के उससे निकालो, अब मैं यहां पर शांति वाला है, ऐसे माइंड में कल्पना करो कि शांति भी तो होते हैं, हम यहां पे लगा दो शांति, कल से शांति भी काम पे आएगी, आपके पास आपकी पावर खुद होनी चाहिए, आप अपने ड्राइवर अपनी जिंदगी खुद होने चाहिए, आपको दूसरा क्यों ड्राइव करे, दूसरे का लेन देन कहां से आ गया, इसलिए कोई मेरा सगा है ये सोचना बेकार है, आप ये डिसाइड तो कर सकते हो कि आप उसके सगे हो कि नहीं, मुझसे बड़े प्रेम से पूछा, वो बाहर की बात है विदेश, बढ़िया से उन्होंने हक किया, बहुत जोर शोर से हक करती है वहां पे, फिर उन्होंने कहा जी सच अ नाइस फीलिंग, आप तो बड़ी लॉटरी लगी होगी, आपकी वाइफ भी तो है, ऐसे हस्बैंड मिल जाए, मैंने कहा मुझे क्या पता, कहते तो डोंट यू लव हर, मैंने कहा ये मुझे क्या पता, बोले ये है क्रैक ही है पूरा ही है उसने सोचा मन में ये क्रैक ही है ये पूरा ही है ये पहले दो दूरा सोचती थी अच्छा है मेरे साथ में नहीं है, तो बोले क्योंकि मुझे आंसर समझ नहीं आया, इंग्लिश में हुई बात सारी हमारी, कहते मुझे आंसर समझ नहीं आया, मैंने कहा देखो भाई आई लव हर और नॉट मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे प्यार करती है ये तो मुझे मालूम है, मैं उसे प्यार करता हूं इसके लिए आपको उससे पूछना पड़ेगा, बोले आप बात खत्म भी तो कर सकते थे, मैं कहा मैं झूठ कैसे बोलूं वो मुझे प्यार करती है ये मुझे मालूम है, मैं उसे करता हूं कितना करता हूं कितना नहीं करता ये तो मैं जानता हूं, लेकिन उसे लगता है कि मैं करता हूं तो ही वो बता सकती है करता, वो मुझे प्यार करते हैं तो मुझे पता होगा, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं तो भी मुझे पता होगा, मैं सिर्फ कह सकता हूं हाँ मैं उन्हें प्यार करता हूं, ये तो उनका दिल बताएगा ना कि मैं करता हूं कि नहीं करता हूं कि मैं नौटंकी करता हूं, कैसे मैंने डिसाइड कर लिया 2-way, ये 1-way ट्रैफिक है भाई, मैं अपनी बात कर सकता हूं मैं किसी का सगा हूं या नहीं वो दूसरा बताएगा, मैंने तो बड़े दिल से कर दिया किसी के लिए और दूसरा चाहता दफा हो यहां से साले मेरी जिंदगी से, और हम पागल हुए जा रहे हैं तेरे लिए निहाल हो रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं करता तो हम गलत फहमी में हैं,
ये रिश्ते, ये नाते, ये बातें, ये दिमाग बनाता है, ये समाज बनाता है, ये चमको ब्रेन बनाता है, ये बीटा ब्रेन वेव्स हो जाती हैं हायर वेव से अल्फा से, ये अलग चली जाएगी क्लास कहीं और। बाराची क्लास बहुत लंबी हो रही है जी, अब हम आज कौन सी वो यही वाली बताई मैंने, अब दूसरे तरीके से बतानी थी इनके बेबी के पेपर के लिए तो मैंने इससे बता दिया। इसमें भी बैक पेन का, आपका बैक पेन हो रहा है ना, यहाँ बैक पेन है, अंदर सॉकेट बनाओ, बैक पेन है साला किधर है, फिर सोचे यार बना क्यों, आपके अंदर का प्रोग्राम कुछ चलाया गड़बड़ इसलिए बैक पेन हुआ, बैक पेन ठीक मत करो, उस प्रोग्राम को ठीक करो, बैक पेन खराब होता है अक्सर जीवन के आधार की चिंता करने से। तो सोचो यार मुझे भविष्य की चिंता हो रही है, अच्छा मैं 2025 में हूं, 2020 में हूं, साला भविष्य के लफड़े में हूं जरूर गारंटी है, नहीं निकालो सारे अनप्लग, सांस लो, सोचो कि कोई बैक पेन की गलत कमांड मुझसे गई है बाहर, नहीं पता गलत है, बिना जाने करो ना, वो कहीं फंसी तो हुई है बॉडी में तभी तो साला हो रहा, पता ही नहीं होता कितनी चीजों का। सर ये सबसे पहले 15-20 साल पहले एक टू व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से चालू हुआ था, मैं तो इसको एक फिजिकल एक्सीडेंट के साथ जोड़ के देखता हूँ। ये आपके दिमाग ने आंसर दिया, ये आपके दिमाग ने जस्टिफाई किया, यही तो करता है दिमाग। मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा सकता हूँ पूरे टूट गए और पूरे खड़े हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे लोग हैं मेरे पास, स्क्रू डले हुए कमर में, क्या क्या नहीं हुआ, चल रहे फिर रहे भाग रहे, कुछ नहीं हो रहा, अमेजिंग थिंग्स हैपन, सारा माइंड गेम है। मैरी कॉम ने 8 साल के बाद अभी वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप गोल्ड जीता, नहीं कैसे जीता है, अंदर प्लग लगाया उसने सही जगह, उसको बहुतों ने कहा होगा पोस्टमैन बन के, अब बूढ़ी हो रही क्या तेरे बस की है, उसने कहा बूढ़ी मैं नहीं हो रही, तुम्हें लग रही है हो रही हूँ बूढ़ी, तुम्हें लग रहा है मैं हो रही हूँ बूढ़ी, मुझे तो लग नहीं रहा, अच्छा तुम्हारे कहने से मुझे लग जाए तो फिर मैं हो रही हूँ, और मुझे नहीं लग रहा तो मैं नहीं हो रही हूँ। आप जब तक पोस्टमैनों से मिलते रहोगे, पोस्टमैन की नौकरी करते रहोगे, आप उनके दिमाग खराब करते रहोगे, वो आपका दिमाग खराब करते रहेंगे, मौन, जब समझ नहीं आ रहा मौन में जाओ और आपको स्ट्राइक करेगा, अचानक आंसर मिलेगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत लंबी देर सुना मुझे, नमस्कार, धन्यवाद।